एक जो है पॉइंट बनाए, क्या है ये? हम यहां से अभी आग का चिंगारी निकालेंगे। आपको लग रहा होगा कि फेंक रहे, विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब अभी निकलेगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो देखते हैं कि निकलता है या नहीं, एकदम परफेक्ट निकलेगा। तो यहां पर देखिए पॉइंट है, लेकिन ये निकलेगा कैसे, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे करना क्या है कि जैसे वो कागज नहीं जलाते लेंस से, स्टोमन बॉक्स में जो मिलता है, तो सारे सनलाइट को एक जगह करके और फिर जला देते हैं। वैसे ही हम लोग जो है, हम बोलेंगे 1 2 3, अभी करना नहीं है, मुट्ठी खोल कर रखिएगा, माथा को ऐसे दबाएंगे एक साथ, और आंख से रे निकलेगा और सारा यहां पर आएगा, यहां से एक विस्फोट होगा। तो देखिए एकदम अभी तुरंत होने वाला है ये चीज। तो रेडी, हम लोग सब लोग तैयार हैं? चलिए रेडी, 1 2 3, सब लोग कर दिए। यहां से कभी भी आग नहीं निकल सकता, निकल सकता है कभी भी आग, यानी कि हम जैसे बोलते जा रहे हैं दुनिया वैसे ही चलता है। तो ये आपको देखना है कि अगला जो बोल रहा है फेंक रहा है कि क्या कर रहा है। और जिसमें कि हम आपको हिंट भी कर दिए थे कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। चलिए ठीक है, अच्छा है, ये भी एक स्टूडेंट का गुण होता है कि टीचर जैसे बोले वैसे करे, वो लाइफ में सक्सेस होता है। तो जैसे हम पढ़ाते थे बच्चों को, तो अलग अलग तरीकों ट्रिक से पढ़ाते थे। पहले हम 2016 तक 2010 से मैथमेटिक्स पढ़ाए, तो उसमें आप लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला तो सब 896 में पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग जो है, हम गए थे 10th में एक जगह कोचिंग पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर इतना हार्ड तरीका से पढ़ा रहा था। अब 10 के बच्चा को फाई कप्पा ये सब तो सुना हुआ रहता है ने, तो बता रहा था फाई प्लस कप्पा का होल स्क्वायर, फाई स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर प्लस 2 फाई कप्पा। हम बोले बप्पा समझ में नहीं आएगा। अब यही चीज को, ऐसे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो है सिंपली सब लोग जानते ही है। एक हम गांव में गए, हम जब पढ़ाते थे तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले, फिर गांव में कोचिंग वगैरह खोल दिए। तो हम घूमते घूमते गए थे, तो सौभाग्य मिला कि अपने स्टूडेंट के कोचिंग में ऑफिस में बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से इसी फॉर्मूला को पढ़ा रहा था। यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह कर दिया मैया प्लस बप्पा का होल स्क्वायर। मैया स्क्वायर प्लस बप्पा स्क्वायर प्लस 2 मैया बप्पा। अब देखिए चीज वही है, लेकिन क्या हुआ, तरीका आसान लग रहा, सबको इंटरेस्टिंग लगा ये पढ़ाए, लगा कि नहीं लगा? तो ऐसा ही ये है कि मैया प्लस बप्पा का होल स्क्वायर, मैया स्क्वायर प्लस बप्पा स्क्वायर प्लस 2 मैया बप्पा। तो तरीका आसान लगा। इसमें क्या है, सब तीनों टीचर वही पढ़ा रहे थे, लेकिन एक टीचर जो गांव में पढ़ा रहा था वो एकदम आसान तरीके से पढ़ा रहा था, तो समझ में आ रहा था। तो यही चीज है, करियर में हम कुछ भी करना चाहते तो हमको समझ में आना चाहिए। इन्हें कि पूरा हाई फाई पढ़ रहे, कुछ बुझा ही नहीं रहा, पूरा नोट्स पे नोट्स छाप दिए और कुछ नहीं कर पाए। तो आसान से आसान तरीके से मैं बहुत सालों से पढ़ाया, और 6 साल जो है बुक लिखने के बाद हमको यह समझ में पूरा आ गया कि भक्ति में जो आनंद है इससे ऊपर आनंद कहीं नहीं। हम हर जगह घूमे, और झारखंड के कोई भी जिला में आप जाएंगे और बुक स्टोर में खोजेंगे तो शायद हमको नहीं पहचानेगा, लेकिन मेरा नाम सब जानता है बुक स्टोर में। तो कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति करना चाहते हैं लाइफ में? सब करना चाहते हैं, हाथ उठा दिए, लेकिन करने में बहुत मेहनत है, जितना आसान सोच रहे उतना है नहीं। जैसे देखिए, एक अभी हम वीडियो डाले थे, प्रभु जी को दिखाए थे, तो उसमें बता रहे थे महाभारत। महाभारत कौन लिखे, महाभारत कौन लिखे? वेद व्यास। ठीक है, अब जो है बचपना वाला चीज भूल जाना होगा। बच्चा में हम लोग क्या करते थे कि पेंसिल को छील देते थे और छील के उसको स्टोमन में रखते थे और बोलते थे कि इसको दूध में मिला के और रबड़ बनाएंगे। ऐसा सुने आप लोग? क्या सुने हैं? अच्छा, इधर भी सुने बंगाल में, हम सोचे कि मेरा ही तरफ ऐसा होता। और क्या करते थे कि मोर का जो पंख होता था उसको चौक खिलाते थे खल्ली, और चौक खिला के बोलते थे ये बढ़ेगा। साथ ही साथ में सरस्वती पूजा होता था ना, तो उसमें क्या करते थे कि केस नोच लेते थे सरस्वती माँ का और कॉपी में रखते थे, बोलते थे विद्या आएगा।
ऐसा बहुत सारा जो है बचपना वाला हरकत किए हैं, और भी बहुत सारा चीज किए होंगे, एक दो और जैसे आपको बता रहे ये तितली वाला किए हैं कि नहीं नहीं पता आप लोग। तितली को मार के और गाड़ देते थे, पांच लात मारते थे कि यहाँ से जो है पैसा निकलेगा, सुने ऐसा? हाँ किए भी है। देखिए तो सब जगह बताइए कि हजारीबाग में और फिर इधर बंगाल में सब जगह तो कोई बच्चा बच्चा उस समय फोन से बात नहीं किया होगा, लेकिन सबको आता है ये चीज। तो वही चीज है, इसमें जो है महाभारत जब लिख रहे थे, गणेश जी लिखे थे और बोल कौन रहे थे? वेद व्यास जी। तो यहाँ पर कुछ दिमाग वाला आपको जो है पहेली जैसा एक श्लोक है हम आपको बुझाने के लिए दे रहे हैं, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। तो महाभारत जब लिख रहे थे गणेश जी, तो वेद व्यास जी को बोले कि आप कंटिन्यूअस बोलेंगे तभी हम लिखेंगे। तो वेद व्यास भी शर्त रखे कि हम जो बोलेंगे वो चीज़ आपको जो है समझ करके लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको क्या करना होगा, समझ करके लिखना होगा। तो ऐसे में ही एक दो हार्ड श्लोक देते थे जो कूटा श्लोक बोलते हैं, पहेली टाइप का श्लोक होता था। तो ये जो है ऐसा चीज का नाम बताना है, और ये पांच चीजें जो है अपवित्र है, अपवित्र है, उसमें से सबसे पहला जी जो है झूठा। तो ऐसा कौन सा झूठा है जो अपवित्र है लेकिन फिर भी उसको पवित्र माना जाता है, भगवान के सेवा में इस्तेमाल होता है? नहीं वो दूसरा चीज, नहीं वो उल्टी है, वोमिटिंग। हाँ सही है, हरी बोल, इसके लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा, ये है गाय का जो दूध होता है, बछड़ा जूठा करता है ना, तो जूठा करने के बाद क्या करता है फिर, उस दूध कितना पवित्र होता है। इसके बाद है उल्टी, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग बताना है क्या होगा एग्जांपल, क्या? हाँ अभी बताए थे हनी, ये क्या करता है जो मधुमक्खी होता है वो फूलों का रस जो है ला करके फिर वोमिटिंग करता है कि नहीं करता है। दूसरा हो गया, तीसरा है ये जो है लाश है, सब है, बताइए। लगाइए दिमाग, और भगवान के सेवा में इस्तेमाल होता है। यह सिल्क है, रेशमी वस्त्र, कैसे जो उसका प्रोसेस देखे होंगे, गर्म पानी में उबाल करके कोई पत्ता होता है वो खा करके फिर जाले जैसा बनाता है, और फिर गर्म पानी में खौला करके उसको मार दिया जाता है और फिर उसका रेशा को निकाल लिया जाता है, तो ये प्राप्त होता है। लेकिन सिल्क जो है भगवान को अर्पित होता है, कितना पवित्र है कि नहीं? इसी तरह से एक और है शिव निर्माल्य, निर्माल्य किसको बोलते हैं, जो भगवान का आरती वगैरह होता होगा तो देखते होंगे वहाँ अगरबत्ती का राख वगैरह बचा रहता है ना, तो जो भी है अपशिष्ट जो भी है ये सब जो है आपका निर्माल्य कहलाता है। वेस्टेज जो बहा देते हैं हम लोग पानी उनी में, उसको बोलते हैं हम लोग जो है निर्माल्य। तो शिव जी के ऊपर जो चढ़ता है उसको बोलते हैं शिव निर्माल्य। तो गंगा जो है भगवान के चरण से निकला है, और कहाँ पे गिरता है, शिव जी के जटा पे गिरता है, तो वो क्या हो गया, शिव निर्माल्य हुआ। लेकिन गंगा का पानी कितना पवित्र होता है, कितना चीज हुआ, पांच हो गया क्या टोटल, चार हुआ, उचिष्टा शिव निर्माल्य वमनम सव करपटम काक विष्ठा ते पंचायते पवित्राति मनोहरा। काक विष्ठा जो होता है मतलब जो विष्ठा है ये कैसे पवित्र हो सकता है, तो कौए का जो विष्ठा होता है, कोई बताएंगे क्या आंसर? हाँ कौआ, काक मतलब काक विष्ठा। तो काक विष्ठा जो होता है, जो पीपल हम लोग देखते हैं पीपल, तो पीपल जो होता है ये जन्मता है, कौआ उसका जो है बीज खाता है, और जहाँ पे विष्ठा करता है वहीं पे पीपल जन्म सकता है, यानी कौए के पेट से गुजरेगा तभी पीपल जन्मेगा। तो ये टोटल पांच चीज़ है, शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, ये पांच चीज़ कौन कौन है बताइए। पहला क्या था, गाय का दूध, दूसरा शहद, तीसरा सिल्क, हाँ चौथा शिव निर्माल्य, पांचवा
काक विष्ठा। हरि बोल। हरे कृष्ण। देखिए, जब गेस्ट क्वेश्चन निकालता है तो ऑलमोस्ट 100% बढ़ जाता है, तो आप क्वेश्चन गेस करने का स्किल ले सकते हैं उससे। बहुत फेमस है, लोग लगता है क्वेश्चन यही सेट करता है, यहाँ तक डाउट होता है लोग, ऑप्शंस के साथ बिड़ा देता है। ये तो हाइट है। ओम ज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने बाईं तरफ देखिए, रेड वाला जो टावर दिख रहा है ना, रेड वाइट वाला, क्या है वो? क्या है वो? चिमनी है, मोबाइल टावर है। रेड वाइट वाला टावर क्या है? चिमनी है क्या? फैक्ट्री है क्या? है वो फैक्ट्री है। अच्छा, मेरे को लगा वो लाइट हाउस है। एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोरे का समय था, एक वारशिप जा रहा था और वारशिप ने आगे से लाइट देखा, इसने इसको सिग्नल किया कि गेट साइड बाय 5 degrees। देन द कैप्टन हियर, उधर से मैसेज आया, यू बेटर गेट साइड बाय 5 degrees। द प्यून हियर, बोला ये बहुत गुस्सा हुआ, बोला बुलसेट इट्स वारशिप हियर गेट साइड बाय 5 degrees। तो प्यून बोला बेटर यू गेट साइड बाय 5 degrees लाइट हाउस हियर। आप लोगों को समझ में है? नहीं, हिंदी में बताना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि हट, तू 5 degree से हटा अपने अपनी नाव हटा दे। मैं एक आर्मी का जो है नेवी का कमांडर बोल रहा हूँ, वो बोला मैं प्यून चपरासी बोल रहा हूँ, तू 5 degree हटा, तेरे लिए अच्छा होगा। गुस्सा आ गया उसको। हाँ, ये गुस्सा आ गया। प्यून मेरे को बोला कैप्टन को, और वो भी वारशिप समझ रहे हैं, कंट्री का बहुत बड़ा वारशिप, उसको तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, इतना पावरफुल होगा। तो बोला हटा 5 degree, मैं रास्ते में, तू हट। चपरासी बोला तू हट, चपरासी मेरे को बोलेगा, समझ रहे? तो बोला वारशिप हियर, तो बोलता लाइट हाउस हियर। लाइट हाउस समझते हैं, समुद्र में कभी कभी अंधेरा होता है, समझ रहे? कुछ नहीं दिखता है करोड़ों हजार 100 किलोमीटर, तो लाइट हाउस रहता है आपको बताने के लिए, देखो यहाँ पर, कभी कभी समुद्र को गाइड करने के। जमीन पे बना होता है, समुद्र के किनारे कहीं जमीन पे बना होता है, तो अगर वो उस लाइट से जाके टकराएगा तो क्या होगा? शिप क्रैश हो जाएगा, है ना? तो हम बहुत बड़े वारशिप हो सकते हैं, बहुत बड़े तोप हो सकते हैं, तो पंछी हो सकते हैं, तोप के गोले हो सकते हैं, 30 मार खां हो सकते हैं, लेकिन जब सामने लाइट हाउस खड़ा हो तो बेटर हमको मुड़ जाना चाहिए। और ये मुड़ना बहुत जरूरी है जीवन में, अगर आप मुड़ना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख गए। जहाँ पे दिक्कत अचीवर्स के साथ होता है कि मुड़ना नहीं आता उनको,
टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, है ना? झुकना आता नहीं ना, झुक नहीं सकते किसी के सामने, है ना? सब मेरे सामने झुकने चाहिए, सब लोग इधर झुकने मांगता है लाइफ का, सबको अपनी मुट्ठी में करके सबको झुका लें, है ना? मूवी में और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है पता है? एक बेसिक फ़र्क क्या है मूवीज़ में और रियल लाइफ में? मूवीज़ में क्या फ़र्क? ना आए तुम एकला चलो रे, क्या फर्क है मूवी में और रियल लाइफ में? अरे मूवी में हैप्पी एंडिंग होता है, ओहो ये तो एकदम अल्टीमेट आंसर, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मूवी का एंड बड़ा हैप्पी होता है, है ना? सब मारपीट होने के बाद अंत में सब सेटलमेंट आपे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद सब सुखी हो जाता है लाइफ, है ना? रियल लाइफ का मूवी वहां से स्टार्ट होता है वहां से, दोनों साथ आते हैं। एक बार मैं क्लास दे रहा था पुणे में, और सामने जो बैठे थे वो बहुत ही सुंदर एक कपल था, बहुत ही सुंदर था, मतलब उस पूरे क्राउड से उठ के दिख रहे थे दोनों, इतने सुंदर थे। तो मैंने प्रवचन में, मेरा प्रवचन एक सिस्टम से चल रहा था और उस दिन वो लोग आ गए थे बीच में, तो मेरा प्रवचन का शीर्षक था कि भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में कुछ लोग जाके मर्ज होते हैं, वो आध्यात्मिक सुसाइड करने के बराबर है, ये मेरा टॉपिक था। तो मुझे उसको समझाना था कि भाई सुसाइड, आध्यात्मिक सुसाइड क्या होता है, मुझे समझाना था। तो मैं बोला लोग सोचेंगे कि शादी करेंगे, दुनिया मेरी संवर जाएगी, पत्नी इतनी अच्छी होगी कि बस उसको देखता ही रह जाऊंगा, देखता ही रहूंगा, और हम लोग खाली एक दूसरे को देखते रहेंगे, है ना? राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगया संगया रे, है ना? देखते रहेंगे बस, एक दूसरे को देखते रहेंगे और देखते रह जाएंगे। इतनी अच्छी होगी ना कि वो सब, मतलब मेरे लाइफ का जितना सब टेंशन है खत्म हो जाएगा, उस दिन से मेरे लाइफ का नया चैप्टर चालू हो जाएगा। मतलब दुनिया में जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, मेरे सीक्रेट चीज़ मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा हो जाएगा लाइफ मेरी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं बोल नहीं सकता। लड़की क्या सोचती है? शादी होगा ना, लड़के को मैं सब मुट्ठी में चुटकी बजा के घुमा के रखूँगी अपने साथ, और इतना अच्छा पति होगा ना मेरा, कुछ नहीं कहेगा मेरे को, मेरा लाइफ मेरे सोच से अच्छा हो जाएगा, मेरे सोच से अच्छा हो जाएगा। अब दोनों सोच से अच्छे लाइफ के लिए आ गए साथ में, कोई क्लैरिटी नहीं है सोच से अच्छा क्या होने वाला है, सोच से अच्छी जिंदगी के साथ में आ गए। अब क्या होता है, सुबह उठने के बाद भूख लगता है, खाना बनाना पड़ता है, तो वहां पे चेहरा देखने से काम नहीं चलता है, खाना बनाना पड़ता है। एक हमारे भक्त शादी किए, पत्नी भक्त थी तो प्रवचन सुनते रहती थी, प्रवचन सुनने का उसको बहुत बड़ा शौक था, सुनती थी। तो इसने कहा, तो एक दिन खाना बनाता था, एक दिन उसने रिक्वेस्ट किया उसको कि तुम आज खाना बना दोगी क्या, डर डर के कह दिया। पत्नी को गुस्सा आया कि इसने मेरे प्रवचन में बाधा डाला, कृष्ण और मेरे बीच में ये आ गया। पत्नी ने कुकर का ढक्कन लिया और उसके सर पे बाएं हाथ से मार दिया, बेचारा वो गिर गया, चोट लगा गिर गया, थोड़ी देर बेहोश रहा, कुछ मिनट उठा, उठ के एक ऐसे वॉइस था सिस्टम कहीं पास में, वो भी भक्त रहते थे, तो एक लड़के को फ़ोन किया जो यहाँ ब्रह्मचारी लोग या जो वॉइस, उसको किसी को फ़ोन किया, बोला जब आओगे ना कंपनी में तो एक कुछ खाने का सामान वहाँ से पैक करके ले आना। तो ले गया, अभी बचा हुआ जो होगा, यहाँ तो सिस्टम रहता है एक्स्ट्रा बना हुआ, वो ले गया उसके कंपनी में, साथ में काम करते थे। तो खाया, तो फिर कहानी बताया कि आज कहानी ऐसी हो गई
खाना बनाने बोला तो पड़ गई, है ना। तो ऐसा रहता है ना कि दुनिया ऐसा सेट है कि जो अच्छा लड़का है उसको खराब लड़की मिल गई है, और जो बुरा लड़का है उसको अच्छी लड़की मिल गई है। परेशान ये है और परेशान वो है, दोनों ही परेशान है। इस दुनिया में केसेस हमारे पास, हम परेशान शादी नहीं करके, हम परेशान शादी करके, वो परेशान। इसको मैं कहता हूं और प्यार मिला नहीं, हेंस दे कुडंट गेट लव। एक लड़का, एक ब्रह्मचारी आया मेरे पास, कहा कि उसकी बहन जो है डिवोर्स लेना चाहती है, तो आप कुछ कर सकते हैं। मैं बीमार था आश्रम में, बहुत पुरानी घटना। तो मैं बोला ठीक है, बात कराओ, फ़ोन पे बात किया तो कुछ सेटलमेंट हुआ। फिर बाद में वो लोग आए, पति पत्नी आए, तो पति पत्नी जो थी वो बैठी सामने, वो उधर मुंह करके बैठी, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो पत्नी यहाँ बैठी, पति यहाँ बैठा है, पत्नी उधर मुंह करके बैठी है मेरे सामने, मैंने मैं यहाँ बैठा हूँ और पति उधर मुंह करके बैठा है। बहुत याराना लगता है। मैं बोला ए इधर देखो, मैं ही बैठा ना, इधर इधर देखो, दोनों इधर देख के बात करो। बोले क्या दिक्कत है? लड़की बोली ही डजंट नो गुड इंग्लिश। कंप्लेन सुनिए, अब ये जनाब यूनिवर्सिटी धक्का लगा के टॉप गियर में पास हुए, सारे फायदों को उठाते हुए, जैक फ्रैक्चर टोपी, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सब फायदों को उठाते हुए, मतलब ग्रेस मार्क्स, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स। टोपी कहते हैं जैसे 50 पासिंग है तो 47 में जब पास होता है तो उसमें एक ऐसा लगता है, एक टोपी लगा के उसको पास करते हैं, उसको कहते हैं कैप, कैप लग के पास हुआ। और अगर 50 पासिंग है और 40 में पास हुआ तो उसको एक फ्रैक्चर लगाते हैं, वैसा फ्रैक्चर का साइन आता है कि इसकी टांग टूट गई लेकिन पास कर दे रहे। तो ये जनाब थे, पूरा यूनिवर्सिटी के सारे फायदे लेके निकले थे। टोपी आप कितने भी ले सकते हो, फ्रैक्चर एक या दो ही मिलता है, कुछ ऐसा लिमिटेड तो जितना मैक्सिमम था सब यूज करके आया था। इंग्लिश बोलना तो आता नहीं था, दादाजी ने सिखाया नहीं था, पापा भी कुछ ऐसे ही थे, मम्मी घूंघट में थी तो इंग्लिश तो पता नहीं था उनको, तो इनको पता नहीं था। He doesn't know good English। और ये हैं महतरमा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट MBA, और जनाब ये जो हैं ये पूरा फायदा के लिए साथ BTech with all profits and benefits। तो मैं उसको बोला अभी तो थोड़ा इंग्लिश नहीं सीख सकता, क्या दिक्कत तेरे को, थोड़ा सीख ले, थोड़ा सा कर रैपिडेक्स ही पढ़ ले कम से कम, बेसिक तो सीख ले। फिर मैं बोला और क्या है, तो इसने बोला तेरा क्या प्रॉब्लम है, बोला जो खाना बनाना नहीं आता। बोला क्यों नहीं आता तेरे को खाना बनाना? बोले प्रभु जी मैंने कभी पानी भी नहीं उठाया घर में, मैं तो ऑपुलेंस में लेविस में पली बड़ी। मैंने बोला मेरी माँ तू खाना बना लेगी तो कितना एहसान मेरे पे करेगी पता है, मैंने मेरा आधा घंटा बचेगा रोज का। उसके बाद मैंने एक कुक बुक जेरोक्स करवाया और उसको गिफ्ट दिया। हमारी एक माता जी जमुना माता जी हैं, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कुक बुक्स में आता है वेजिटेरियन कुजाइंस बाय जमुना देवी, वो उसको गिफ्ट किया। उसने खाना बनाया, खाना बनाना चालू किया। उसके बाद और भी कुछ डिफरेंसेस थे, मैंने फिर बाद में 2-3 मीटिंग हुआ एंड में दे एग्रीड टू कंटिन्यू विथ ऑल देयर डिसएग्रीमेंट्स।
एंड दे हैव बेबीज, चल रहा है, थिंग्स आर ओके फाइन. इतना इतना जितना हम सोचते हैं ना, उतना वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं रहता. मैं नहीं कह रहा हूँ कि साधु बन जाओ ये अच्छा लाइफ है, ये नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी जाते हो ना, एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक होने करके रखो लाइफ में, ठीक है? नहीं तो तुमको भी नहीं लगेगा कि तुमसे तुम्हारी वाइफ जो है परेशान है, और उसको भी नहीं लगेगा कि उसकी वजह से उसका हस्बैंड परेशान है. तो लड़कियों के लिए हम एक अलग से क्लासेस चालू करेंगे, ठीक है ना? जिसमें कोई सीनियर लेडी हो वही लोग क्लासेस दें उनको. ये बहुत ज़रूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें लाइफ में, ठीक है ना? गा भी लेगी, नाच भी लेगी, खाना भी अच्छा पकाएगी, मधुर संवाद भी करेगी, है ना? मन के बात को भी जान लेगी, सुंदर भी होगी. तो सुंदर तो होगी, दत्ते तो मिनिमम है, वो तो होना ही चाहिए. उसके आगे ये सब होना चाहिए. एक लड़के ने मेरे पास आया, बोला कि मेरे को वाइफ ऐसी चाहिए. मैंने बोला ये बहुत अच्छा है, ये सारे गुण एक व्यक्ति में, एक लड़की में है. बोला किस में है? मैं बोला लक्ष्मी जी में, सर्वगुण संपन्न, उन्हीं का नाम. तो सोचने लगा, मैंने बोला एक दिक्कत है. बोला क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? तुम नारायण नहीं हो. लड़की तो मैं देख रखा हूँ, लेकिन लड़का बराबर का नहीं मिला उसके लिए. तुम नारायण होते तो सेटिंग कर दी जाता, सेटिंग हो गया होता, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखने में बड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ठीक है? रियलिस्टिक. तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं, हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रूट कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज इज अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन. कल मैं प्रोग्राम करके आया था रात को, कॉन्ग्रेशन प्रोग्राम है घर में, लेट हो गया तो मैं फिर मिस कॉल्स देखा. तो मेरे एक स्टूडेंट का कॉल था, उठाया तो रोने लगी, क्या हो गया, क्या हो गया आपको? पूरा कि मेरे पति से जम नहीं रहा है. क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, जम नहीं रहा. भाई कोई केस बताओ, क्या हो गया? मतलब तो भाई कुछ बताओ, हम कैसे गाइड करें? कुछ आप बताओगे, ये गलती हुआ उससे, तो हम उसको बोल सकते हैं मेरा स्टूडेंट है भाई, क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं, मेरी गलती, लेकिन मैं कितना सहूं? क्या सह रही हो तुम? तो खुद ही कंफ्यूज है, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा उसके जीवन में क्या चल रहा है, समझ रहे? तो फिर आधा घंटा पौन घंटा बाद उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो फिर मैंने उसको बताया, देखो कि जीवन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उसका क्या कहना है, मैं गड़बड़ करूंगी वो सहते रहे, मेरे से गड़बड़ होगी वो सहते रहे, और फिर ये और वो कुछ गड़बड़ करे तो ये सहेगी नहीं. कैसा लाइफ है? नीचे रख, मैं गड़बड़ करूंगी तो वो नहीं, बांध के रखा, बांध के रखा, नहीं नीचे नहीं होगा, बांध के रखा पीछे से, गिरेगा. ओके, सपोर्ट सिस्टम है पूरा, समझ रहे? जीवन में सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. हवा आएगा तो लड़की के जीवन में हवा आया, दोनों पति पत्नी के जीवन, लेकिन गुरु जी का सपोर्ट था. तो फिर मैं उसको गाइड किया, देखो वो लड़का, अभी मेरे पास तो हजारों केस आते हैं ऐसे, समझ रहे? तो बोला क्या कोई और लड़की को लाइन मारता है क्या? नहीं नहीं, वो सब मेरे पति में कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो सब तो एकदम आपके जैसा लाइन में, समझ? हम बोले फिर तो बोलो कोई मामी चाची भाभी ये सब कैसा लाइन मार रहा है क्या? बोले नहीं नहीं, वो सब में मेरे कौन से प्रॉब्लम. बोले तुमको 50 तो हस्बैंड का नाम बताएंगे जो पत्नी को छोड़ के भी इधर उधर कर रहे हैं. बोले नहीं नहीं पूजी, हमारे पति बहुत अच्छे हैं. अच्छा, अभी अच्छे हैं, ठीक. उसके बाद बोला तो मैं उनको दो चार केस बताया कि भाई देखो, यू शुड बी प्रैक्टिकल. आप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन करोगे तो आप ही को फ्रस्ट्रेशन होगा, आप ही रो रहे हो, कौन रो रहा है?
अब आप गलती किए हो कुछ तो आप माफी मांगे आगे बढ़ो भाई, किसी को तो सहना पड़ेगा, कभी तुम सहोगी कभी वो सहेगा तभी आगे बढ़ेगी बात। तो तुमने जीवन में कोई देखा है हस्बैंड को जो अपनी वाइफ को आपके हस्बैंड से ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा? बोला हाँ बोझी, मैंने तो बहुत देखा। मैंने एक हस्बैंड को देखा था अपनी फैमिली में, वो माता जी ने थोड़ा नमक कम किया तो खूब मारा उसको, खाने में थोड़ा नमक कम था तो खूब मारा। बोला आपके पति मारते हैं क्या? बोलो नहीं, वो तो एकदम डिटैच है, नहीं भी कम कैसा भी हो। और कोई केस देखा? बोला हाँ एक और माता जी को देखा हमने उनके रिलेशन में, वो खुद ही बता रही थी। बोला तुमने क्या क्या देखा जी? उन्होंने बोलो हमने देखा वो जी, एक तो बेचारा छोटा सा भी नमक कम होगा तो खूब मारेगा, नमक से मिर्चा कुछ भी कम हो तो मारेगा। फिर दूसरा केस बता रही थी कि प्रभु जी एक हस्बैंड था, 15 साल हो गया रिश्ता किया शादी का, बच्चे भी हो गए, एंड देन फिर वो किसी और माता जी के साथ कनेक्शन। दिस इज व्हाट सी हर सीन। बोलो तुम तो देखी हो जीवन, तो तुम्हारा पति ऐसा कुछ कर रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। तो भाई अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्यों कर रही हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं तभी वो शांत रहे? अब वो गुस्सा हो जाए, अब वो बात नहीं कर रहा तो वो बात क्यों नहीं कर रहे? बोले जाइए उनसे आप बात कीजिए, समझ रहे? तो पॉइंट इज दैट लाइफ में क्या होना चाहिए, वेन एवर यू फील ट्रबल इन लाइफ सी पीपल बिलो यू, सी पीपल बिलो यू। जब भी जीवन में ट्रबल आया ना, एक बार मैं एक लड़की थी, पेरेंट्स को खूब ब्लेम कर रही थी कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, कभी कुछ दिया नहीं, ये नहीं दिया। बोला ऐसे तुम बड़ी हो गए ना, 25 साल की घोड़ी हो गई तो ऐसे फ्री में फोकट में बड़ी हो गए ना, पिताजी खिलाया नहीं रोड पे फेंक दिया था इसलिए तो बड़ी हो गई है कि नहीं? भाई पिताजी को क्या ब्लेम कर रही है? पिताजी माता जी आप लोगों ने मेरे को कभी प्रेम दिया ही नहीं, कभी उसको प्रेम, तो तू इतनी बड़ी घोड़ी कैसे फोकट में हो गई क्या? और जबकि माता जी उसका उसकी माँ जो है उसके लिए 7-8-10 लाख रख रखी है कि मेरी बेटी का ब्याह में ज्वेलरी देना है, ये देना है। वो 10-15 लाख बिचारी सेव करके किसके लिए रखी है? और बेटी का कहना है कि हमको प्रेम यहाँ पर नहीं दिया। तो मैं कलकत्ता में एक बार था तो मेरे एक फ्रेंड बताए थे, उनको सुन के शौक लगा कि कलकत्ता में स्लम्स एरिया थे, वहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, तो लोग प्रे करते अंधा हो। क्या प्रे करते हैं? अंधा हो, लूला हो। मैं सुन के मतलब मेरा पाँव हिलने लगा, क्या बोला ऐसा कैसे? मेरी माँ ने तो अभी हम लोग अपने परिवार में देखे कोई भी जन्म होता है तो इतना उसके लिए प्रार्थना करते हैं, माना जाता है बच्चा गर्म में रहता है उसके लिए माला जप करते हैं, उसको भगवान के मंदिर बहुत सारा होता है कि नहीं? जब माताएं गर्भवती होती है उसके लिए बच्चे के लिए तब से प्रार्थना चालू हो जाती होती है कि नहीं? उसके नाम से दान देना चालू कर देते कि अच्छा मेरा बच्चा आए, होता है कि नहीं होता है? आपके जन्म के पहले माँ ने बहुत प्रार्थना की होगी, हाँ कि ना? हाँ। और यहाँ पर मेरे को मेरा फ्रेंड बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है कि वो जन्म लेने के पहले क्या बोलते प्रार्थना करते हैं? अंधा पैदा हो। मैं बोला हो ही नहीं सकता ऐसा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बोला प्रभु जी वो लोग बेगर्स होते हैं ना, अगर कोई अंधा पैदा होता है नेचुरली तो ज़्यादा भीख मिलती है। कोई अंधा नेचुरली पैदा होता है तो क्या मिलती है? ज़्यादा भीख मिलती है। कोई लूला आप तोड़ दो उसका पाँव तो मिलेगा पैसा, लेकिन कोई ऑलरेडी उसका पाँव ही नहीं ऐसा, मतलब समझ रहे ऐसा होता ना कभी कभी ऐसा सॉकेट रहता, मतलब ऐसा ही बस यहाँ पर एंड हो जाता, उसको देख के लोग को थोड़ा ज़्यादा दया आता है, आता है कि नहीं? तो मैं बोला देखिए आज इतने सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स प्रे करते हैं कि बच्चा अंधा हो, बच्चा कैसा हो? लूला हो। तो मैं पूछा कि आपके पेरेंट्स ने ऐसा प्रार्थना किया था क्या? हमारे कितने पेरेंट्स ने ऐसा प्रार्थना किया था कि हमारा बच्चा अंधा हो लूला हो? किसी ने प्रार्थना किया था? तो सेल वी नॉट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स? हाँ, किस लिए दुखी हो जाते हैं? उसको स्कूटी दे दिया, मेरे को स्कूटी नहीं दिया, हाँ मेरे पिताजी ठीक नहीं। स्मॉल स्मॉल चीजों के लिए इतना बेचारा रात दिन मेहनत करे पिताजी दे रहा है, फिर भी एक छोटी सी चीज के लिए। मेरे पिताजी मेरे को बाइक नहीं दे रही थी, मैं 11th क्लास में गया, चलो लड़की पटाएंगे। ये सब बताया था पिताजी को, बट ये सब अंदर के क्या थे, क्या बोलते हैं, इंटरनल रीजंस। और एक्सटर्नल बताने के लिए तो मेरा मैथमेटिक्स था कि पिताजी
हम जो स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम है DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कार्मिक नगर। हमारे झरिया से पिताजी 13 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है पिताजी? बस वाला बेटा चोरवा 500 रुपये महीने का लेता है पिताजी। कितना लेता है, कितना लेता है महीने का, साल का कितना ले लिया? कोई महीने का छोड़ता नहीं है, गर्मी छुट्टी का भी पैसा लेता नाला है। तब बोले पिताजी देखिए हम IIT का तैयारी कर रहे हैं, हम तो ऐसे भी स्कूल कम ही जाते हैं, स्कूल हो ऑफिशियल डेज भी 192 ही होता है, कैलेंडर देखोगे ना 180, 85, 99, 192 डे होता है, वो सब कैलकुलेट कर ले, उसमें भी 30 दिन हम जाएंगे नहीं, समझ रहे? तो बचा कितना, 150 दिन ही जाना है। कितना दिन हो गया रे, 150 दिन, कितना साल का ले रहा हूँ, कैलकुलेशन बताओ जल्दी जल्दी, 6000। हम बाइक दिला दीजिए पिताजी, 13 किलोमीटर जाना है, उस समय 40 रुपये पेट्रोल आता था, कितना आता था, और बाइक का माइलेज था 60 लीटर, समझ रहे हैं, 60-70 था, तो 13 किलोमीटर चलाएंगे तो कितना टका लगेगा, 6 रुपया, क्या मैथमेटिक्स सही है कि गलत? 5-6 रुपया तो लगेगा रे, फिर घूम के आएंगे तो 12-13 रुपये में काम हो गया, हुआ कि नहीं? महीना कितना हुआ, 200 दिन हम गए, 150 दिन गए तो कितना लगा, 2000, 1800, 1500, मोटा मोटी जो है 1500-2000। हम बोले पिताजी बनिया के लड़के हैं आप, सेठ जी आप सेठ तो हम, अरे पिताजी 6000 लेता, हम 1800 में आपका काम निपटा देंगे, 4200 का बचत हुआ कि नहीं? ये तो पहला लॉजिक था, अंदर में इंटरनल रीजन अलग था कि बेटा वो मेरा बेटा, वो सुंदर बेटा बाइक लेके घूम रहा है, लड़कियां घुमा रहा, हम कम है कहा, ये सब इंटरनल रीजन था, किसको बताना थे, तो अपना अंदर की क्या अंदर की बात है। पिताजी को क्या बताया, पहला तो पैसे का रीजन, फिर दूसरा बता पिताजी IIT का टाइम कहाँ है मेरे पास, वो बसवा बेटा स्कूल छुट्टी होता है 1:45 को, वो बसवा खुलता है 2:15 को, आधा घंटा हमारा बसवा में बर्बाद, हाँ उसके बाद बसवा बेटा घुमा फिर आके स्टॉप करते करते हमको पहुंचाएगा 3 बजे घर, अरे बाइक से हम 12 मिनट पहुंच जाएंगे, हाँ कि ना, स्कूल वा छुट बस चालू होने पहले हम घरे पहुंच जाएंगे, हमको IIT का तैयारी करना पिताजी, हमारा 1 सेकंड समझ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से कम है हम, 1 सेकंड में आयरोडोब सॉल्व करेंगे आगे बढ़ जाएंगे ना, नहीं बढ़ेंगे पिताजी, पिताजी तो कुछ जानता नहीं था, आयरोडोब ऐसी वर्मा उसको सब समझता था, कुछ जानता ही नहीं था, काला अक्षर, लेकिन हम घुमा रहे थे पिताजी, देखिए टाइम का बचत, पैसे का बचत। अब पिताजी टंडन सर के पास जाके ट्यूशन पढ़ना होता है मैथ्स, वो जाना पड़ता आर्य सगवाल के फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो हमारा तो टाइम बहुत जाता, गली के अंदर बेटा फिर ऑटो को रुको, फिर 200-300 मीटर अंदर जाओ, अरे हमारा शरीर को तो समझ रहे हैं पूरे धूप में, समझ रहे कहाँ होगा, IIT का तैयारी करना है, आप समझ रहे हैं, आप तैयारी किए थे, आप तो नवा फेल है, समझ रहे हैं, नाम रोशन करेंगे, नाम रोशन के पीछे पीछे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद पिताजी को हम बोले पिताजी देखिए हमको बाइक, हम कन्विंस थे कि हम कन्विंस करके बाइक तो ले लेंगे, लेकिन मेरा पिताजी बोलता है जो भी हो बेटा बाइक नहीं मिलेगा। हम बोले पिताजी ऐसा मत बोली, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते, हम आपके पास तो हम जानते पैसा भी है, इतने बोल सकते पैसा नहीं, हम सेठ जी हम जानते हैं, बोलते हम तुम्हारा अकाउंट में 50,000 रुपये डलवा देते हैं लेकिन हम पैसा तुमको देते हैं, इतना खतरनाक रोड है उधर, कर्विंग उर्विंग है, तुम गिर जाएगा, समझ रहे, कर्विंग ज़्यादा मन का कर्विंग था, लड़की ले घुमाएगा तो ऐसे भी गिरेगा है, समझ रहे। तो मेरे पिताजी हमको दिए, तो उस समय तो ऐसा गुस्सा आया कि हमारा पिताजी से बुरा कोई दुनिया में पिताजी है ये नहीं, लेकिन बाद में हम थोड़ा जब गीता उता पढ़ तो समझ में ठीक है कि नहीं तो फंस जाते हैं, समझ रहे। तो हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए क्या करते हैं, अपने ही शुभ चिंतकों में दोस्त, कभी कभी वो हमारा अच्छा ही करते फिर भी हम दोस्त, और कभी कभी बेचारे लिमिट है, मान लो पैसा ही नहीं पिताजी कहाँ से देगा। एक बार एक लड़कवा यही खड़गपुर का, तो उसका पिताजी हमारे यहाँ कुकिंग करते थे, 5000 रुपये महीना कमाते थे। तो एक दिन वो चाचा से क्या करता था, काम उम नहीं करता था, कुछ कमाता नहीं था, तो चाचा जी से पास बाइक था 1,90,000 का, तो बोला चाचा जी बाइक दीजिए किस लिए, घूमने के लिए। तो शायद चाचा जी को उस दिन काम था, तो चाचा जी बोले बेटा आज नहीं मिलेगा, था जोर से बोल दी सर कि बेटा आज नहीं मिलेगा, तो उसको था ईगो को हर्ट हो गया, क्या हो गया, ये सच्चा घटना है भाई, तो उसका ईगो को थोड़ा नहीं देंगे चाचा जी आप नहीं देंगे, तो
चाचा जी का भी ईगो हर्ट हो गया। चाचा जी बोलते ना नहीं देंगे, जा बोल दीजिए नहीं देंगे ना। अब उसका भी आदमी का ईगो जब हर्ट हो जाता तो फिर वो भी बोल हम नहीं देंगे, जा जो करना करो। आपको घमंड हो गया है, अहंकार हो गया आपको भाई का। आज शाम को मां कसम, आज शाम को सूरज ढलने के पहले बाइक आएगा, आएगा आज सूरज ढल, देख लीजिए सूरज उगा लेना जी, अभी 10 बज रहा है सुबह का, शाम को देख लीजिएगा सूरज ढलने के पहले आएगा बाइक आएगा, और आपसे अच्छा बाइक। आपको घमंड हो गया 90,000 का, इसमें थूकेंगे ना हम, इससे कॉस्टली बाइक लेके आ जाएंगे आज शाम को। बोल दिया मैं लड़कवा पैसा कहाँ से लाएगा, काम ही नहीं करता था। तो पापा के पास गया, बाप पैसा निकाल 1,00,000 रुपया निकाल। तो 1,00,000 कहाँ से लाएगा, 5,000 रुपया महीना कमाने वाला, समझ रहे। तो बोलता नहीं 1,00,000 रुपया, बोले किस लिए बेटा। बोलता बाइक खरीदना हमको, कहाँ खरीदना है। बोले बेटा 1,00,000 तो नहीं है, पैदा का है कित, पैदा का है, दीजिए 1,00,000। बेचारा परेशान हो गया, हमको फ़ोन किया कि क्या करे प्रभु जी। हम बोले देखिए यंग लड़का है, उसका थोड़ा पैशन है, अभी रजोगुण है, चाहिए तो सेकंड हैंड दिला दिए भाई, घुमाना चाहे सेकंड हैंड 15-20 हज़ार में आ जाएगा, उतना उतना तो देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है बेटा तुमको सेकंड हैंड, 90,000 से कम का तो कोई बाइक इस घर में आएगा ही नहीं। कितना का आएगा, उससे 90,000 1 रुपया का आ सकता है, 90,000 89,999 का तो बाइक, वो तो हमारे लिए थूकने के लायक भी नहीं, वो तो ऑलरेडी थूक क्या है, समझ रहे। तो पिताजी बोला हम नहीं दे, कहाँ से दिलाएगा, पैसा है ना कहाँ से दिलाएगा। बोला आप पिताजी नहीं दिलाएंगे, पिताजी भी चिल्लाने लगा। बोला हम कहाँ से लाए बेटा, बोलेगा तो हम सेकेंड हैंड खोज सकते हैं, नहीं देंगे आप, कहाँ से पैसा हवा से पैदा करे करे, नहीं देंगे ना। ठीक कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और बेटा उसी दिन जाके बाइक ले आया, कैसे का किया, घरवा को गिरवी रख दिया, घर को का किया, सच्चा स्टोरी बता रहे, घर को गिरवी रख के 1,80,000 का लोन लिया। कितना का, 5,000 रुपया करके इंस्टॉलमेंट देगा, कितना महीना था, 36 महीना, 3 साल, तो कितना हो गया, 1,00,000 का बाइक का 5,000 इंस्टॉलमेंट करके देगा, 36 मास, कितना हो गया, 1,80,000। अब पैसा तो कमाता नहीं तो देगा कहाँ से, तो घर गिरवी करके दे दिया, लेकिन 5,000 EMI तो देना पड़ेगा रे भाई, नहीं तो बैंक वाला घुमाता है एजेंट, मतलब गुंडा, समझ रहे, उसको गुंडा बोलते हैं, कलेक्टिंग एजेंट बोलता है लेकिन एक्चुअली वो गुंडा होता है। बेटा नहीं देगा तो बाइक उठा के ले जाएगा, तो 5,000 लाएगा नहीं तो बड़ा बाइक को ले जाएगा, तो 5,000 कहाँ से लाएगा, काज तो कुछ करता नहीं था, और शादी हो चुका था, पत्नी नहीं था लेकिन काम, तब अब तो बेटा पैसा नहीं लाएगा तो बाइक ले जाएगा। तो क्या किया, खड़गपुर स्टेशन कूली का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और बाइक सजल है, बाइक के चलाने का तेल कहाँ है रे, समझ रहे, इसलिए बाइक बढ़िया से रखल है, देखता है रोज, प्रणाम करता है, बीच बीच में माला भी चढ़ाता होगा, समझ रहे, और चलाने का लिए तेल नहीं, समझ रहे आप। तो कभी कभी अच्छी से अच्छी स्थिति को भी क्या बनाते हैं, किसने बनाया बुरी स्थिति, बाप का दोस्त था, चाचा का दोस्त था, किसका दोस्त है, बाइक खरीदने की जरूरत है जब चला ही नहीं पा रहा है। तो बहुत बार हम जब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड उम्मीद करते हैं लोगों से, अपना ही क्या बनते कबाड़ा। तो डोंट हैव अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, केवल अपने ही कुकून में मत रहिए, अपने ही घोंसले में, दूसरे के बारे में सोचिए। हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने जीवन में, इतना ज़्यादा कि दूसरे की नीड को फील ही नहीं करते, कि वो उसका बेचारा कुछ, बाप का भी बेचारा कुछ होगा बिजनेस, बेचारा उसके भी लाइफ में कुछ हो, फील ही नहीं करते। तो इसके कारण आज हम लोग समाज में बहुत ज़्यादा से लोग सेल्फिश हो गए, इसके कारण सफ़र करें। और इसके ऊपर उठना है तो आपको भगवान का शेल्टर लेना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो मन थोड़ा शांत होता है, तब मन में ऐसी शक्ति आती है दूसरों के बारे में भी, और उससे जब सेटिस्फेक्शन मिलता है हरे कृष्णा से, तो फिर दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी कम, जब पेट भरे खाली तो दूसरों से उम्मीद कम करते हैं। ठीक है भाई मिल गया मेरा तो, जी सर। तो
जस्ट वो पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन के बारे में. एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना चाहिए ना, दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए. हाँ, बेस्ट है दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वॉन्ट टू सर्व, ये हाइएस्ट है कि मेरा जीवन केवल दूसरों की सेवा के लिए, मैं अपने पिता की सेवा. यही कृष्णा गीता में सिखा रहे. कौन से श्लोक में सिखा रहे पता है? बहुत फेमस श्लोक है, नहीं जानता रे? सब जानता है, बोलो. कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नहीं सिखाया कहा, सुना है कि नहीं श्लोक रहे? हाँ, तो बोला नहीं जानते है. सब याद है लेकिन क्या करे, भारत में रस्ट लगा लिया, लस्ट का है लेकिन जानता नहीं कहा कब निकालना. श्लोक का सुना है कि नहीं सब लोग? कर्मणे मा फलेषु, तो यही भगवान सिखा रहे, अपना कर्तव्य करो. आप बेटे हो, बेटे का कर्तव्य निभाओ. पिताजी से उम्मीद, और पिताजी बन गए तो क्या करना चाहिए? फिर यही बोला बेटा देखा हम कैसा किए थे, तुम भी वैसा करो. बेटा के साथ आपको कैसा नहीं? मैं पिता का रोल निभाऊंगा. बेटा जैसा अपना रोल करे नहीं करे हमको पता, हमको अपना रोल. जैसे मैं अभी क्लास दे रहा, मेरा रोल है आप लोग को हेल्प करना, आप ले नहीं ले आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा कर्तव्य आप लोग आए हैं मेरे को आपको हेल्प करना है. अब आप नहीं लो तो मैं क्या कर सकता, लेकिन मेरा तो कर्तव्य आपको सेवा करना. डज इट मेक सेंस? ये वाले जीवन में कोई जिएगा तो उसको कोई फ्रस्ट्रेट कर सकता है? आप मेरे को फ्रस्ट्रेट कर पाएंगे कैसे? मेरे को आपसे उम्मीद ही नहीं है, मेरे को अपना बेस्ट करना है. तो कभी कोई आप शादी करने में फ्रस्ट्रेट हो गए? आप हस्बैंड से उम्मीद नहीं करोगे, वाइफ से उम्मीद नहीं करोगे, आप अपने उस अपना कर्तव्य निभाओगे तो कभी ना कभी सुधरेगी. नहीं भी सुधरे हमको क्या, हमको तो हमारा कर्तव्य करके संतुष्टि. तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकता है कोई आदमी अगर श्लोक को फॉलो करे तो? इसलिए गीता में मोती हैं, ये मोती HIT में नहीं मिल रहे, ये मोती कोई IIT में भी नहीं बांटा जा रहा है, ये मोती गीता के अंदर है. क्या है? एक एक मोती है कि नहीं बोलो? अगर है तो बोले हरी बोल. मोती है, जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन में ऐसी 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 डायरेक्शन ला सकते क्या? फिर रिश्तों में उम्मीद नहीं रखोगे, अपना कर्तव्य निभाओगे. आपको हस्बैंड अपना कर्तव्य निभाएगा जरूर पत्नी खुश होगी, या पत्नी अपना कर्तव्य निभाएगी. हमारे पिता माता का शादी हुआ, माँ ने पापा को देखा भी नहीं था, और पापा ने माँ को 16 साल की उम्र में माँ का शादी हुआ. कितना साल की उम्र में? माँ पिताजी को देखी नहीं, पिताजी माँ को, लेकिन ऐसा प्रेम में देखता हूँ अपनी माँ पिताजी में आज भी. आज 45 साल हो गया शादी का, कितना 45. आज भी मेरी माँ मेरे पिताजी को गर्म खिलाती, आज भी. She is 61 year old. My father is 68 years old. आज भी मम्मी का ख्याल रखते, उनको कहीं जाना हो छोड़ के आते, आज भी. समझ रहे हैं? At such age. क्यों? देखे भी नहीं थे. इतना प्रेम कहाँ से आ गया? प्रेम आता है सेवा से. कैसे आता है प्रेम बताओ? तेरी माँ तेरे से ज्यादा प्रेम करती है, तू माँ से ज्यादा प्रेम करता है? बोल दे बेटा, बोल. कितने लोगों लगता माँ ज्यादा प्रेम करती है? एटलीस्ट मेरी माँ तो मेरे से ज्यादा प्रेम करती है. समझ रहे हैं? तो तेरी माँ तेरे से ज्यादा प्रेम करती है, तू तो माँ के लिए कुछ किया नहीं अभी तक, फिर भी माँ तेरे से ज्यादा प्रेम. क्यों? क्योंकि माँ ने तेरी सेवा की, रात रात भर टट्टी धोई है, बिस्तर में सुसु कर देता था बेचारी. अपने तुमको पहले से एटीट्यूड, आ जाओ बेटा. हाइट कम हो जो तुम एटीट्यूड, जो हम 10 साल ट्रेनिंग देकर सिखाएंगे, एटीट्यूड आ जाए कि बेटा लड़का बोले मर जाएंगे लेकिन कुछ कर जाएंगे. स्टोन ले लिया. तो गीता आपको क्या देती है? एक ऐसा एटीट्यूड देती है जो आपको एकदम कोई भी स्थिति में आगे बढ़ा सके. तो इसीलिए रिश्तों में उम्मीदों को दूसरों से उम्मीद मत के सेवा कीजिए. Don't ask what the country will do for you. Ask what you will do for the. So, इसलिए कोई भी रिश्ते में ये मत पूछो मेरी पत्नी क्या करी, आप क्या कर सकते हो देखो, मेरी माँ क्या करी, आप क्या कर सकते हो, तो आप देखो सफल हो जाओगे. ठीक है? 17वां अध्याय निकालिए, 15वां श्लोक, 14-15. अनुद्वेग 17-15. अनुद्वेग करम वाक्यम अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव स्वाध्याय अभ्यसनम चैव
वांग्मयम् तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वांग्मयम् तप उच्यते. ट्रांसलेशन. Austerative speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literatures. अब देखिए, कोई भी चीज को बड़ा करना है तो austerity करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है. अगर किसी तो 6 महीने लड़कियों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, हम लोग भी नो सेक्स. अब जाके वो थोड़ा उसको रुक के सोच के बोले, तो सोचना क्या है, उसका डायरेक्शन दिया गया है. ये श्लोक आप इसका ट्रांसलेशन अपने टेबल के सामने लगा लीजिए. ये जो ट्रांसलेशन है ये प्रिंट आउट लगा लीजिए, हाथ से लिख के लगा लीजिए, लेकिन इसको लगा लीजिए. अगर आप इसको करेंगे तो आपके अंदर लीडरशिप का एक बहुत बहुत वाइटल गुण जो है डेवलप हो जाएगा. उसको कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, आज की भाषा में एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं इसको. क्या होता है एम्पैथिक लिसनिंग? अगर मैं आपके दिल की बात को समझ लूं, है ना, तो आपके प्रॉब्लम्स को तब मैं सॉल्व कर पाऊंगा. ठीक है, अगर मैं आपको समझ ही नहीं पाया तो आपके प्रॉब्लम को मैं कभी सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, ठीक है. अभी मैं यहाँ रियल टाइम में एक किसी का भी कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ उठाओ, बताओ प्रॉब्लम. अभी का अभी सॉल्व किया जाएगा उसको, इधर ही. हाँ बोलिए, आप आगे आ जाओ चाहिए तो. आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ. उसके वैल्यू सिस्टम में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ये चीज आ गया, और वैल्यू को पहचानिए. स्टेज टू, अगर आपने स्टेज टू तक क्रैक कर दिया तो स्टेज थ्री बहुत ईजी कोई भी कर लेगा. वो है इसके बाद आप साइलेंट हो जाइए. कितने देर तक हो, अलग अलग समय हो सकता. स्टेज फोर है जिसमें आप एडवाइस कर सकते हैं किसी को, सामने वाले को एडवाइस करते हैं साइलेंस के बाद. और साइलेंस इतना होना चाहिए कि सामने वाला जब तक रिलैक्स नहीं फील करता तब तक वो साइलेंस चाहिए. अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका स्टेज वन और टू गलत हो गया. ठीक है, और स्टेज फोर है रिक्वेस्ट. ये चार आपने कर दिया तो एम्पैथिक लिसनिंग के चारों स्टेज क्रैक हो गए आपके. बहुत स्टेज वाइज होता है, और भागवतम में इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं. भागवत से ही लिया लोगों ने और इसको एग्जीक्यूट किया है, तो हम जानते नहीं हैं. ठीक है, इनका प्रॉब्लम क्या है. अगर आपको लग रहा है कि मैंने पहले से सेटिंग कर रखा है तो कोई और भी बोल सकता है, एनीवन एल्स कैन ट्राई. ठीक है, चलो आ जाओ भाई. हमने तुम्हारा कोई सेटिंग तो नहीं है ना, हमारा पहले का फिक्स्ड मैच फिक्सिंग नहीं हुआ है ना, कि तू यही प्रॉब्लम बोलना और फिर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा. चलो आ जाओ, आप इधर आके बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, खड़े होके. आपको इसको वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है. ठीक है, और मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्व इसको करना है. मेरे को नहीं भी देखे तो चल जाएगा. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मतलब अभी भी उसके बारे में परेशान थे बैठे बैठे भी, इसीलिए अचानक से हाथ खड़ा कर दिया आपने, अपॉर्चुनिटी दे दी. इसीलिए कि टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है पढ़ाई के लिए, कुछ भी के लिए करना चाहते हैं उसके बारे में, उसको हाई लेवल में सीखना चाहते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा. ठीक है, गुड टीम. उसके पीछे के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? इरिटेशन जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? वैल्यूज, वैल्यू होता है जैसे ऑनर एक वैल्यू है. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन एक वैल्यू है, लव एक वैल्यू है. ठीक है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट एक वैल्यू है. ठीक है, मैं अपने बाप का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. ठीक है ना, तो आपके पापा कितने महान हैं, तेरा बाप नालायक है, जूता लेगा मारना चालू करे, समझे, है ना. तो ये वैल्यू सिस्टम पे है, तो वैल्यूज में क्या है जिसकी वजह से इसको इरिटेशन फील हो रही होगी, अब वो गैस करना है. स्टेज टू, लेवल वन तो आप लोग का ऑलमोस्ट क्रैक हो. नहीं 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 है, नहीं 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 नहीं. यू वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन तुम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो परिवार के लिए. नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं सोच रहा है, मतलब एकदम नहीं, गलत गया, गलत गया, एकदम 100% गलत गया. तुरंत निकलना चाहिए, वो तो सोचने वाला चीज़ ही नहीं है. ठीक है,
एसोसिएशन भी एक चीज़ है पॉइंट। एसोसिएशन तुम साथ रहना चाहते हो। हाँ 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 यू वैल्यू एक मिनट हाँ हाँ पकड़ में आ रहा है। यू वैल्यू एक्नोलॉजमेंट बाय अदर्स, बाकी लोग एक्नोलेज करें कि तुमने क्या किया है। हाँ। ये तुम्हारा वैल्यू है। हाँ। देखो थोड़ा थाम बोलो सुन, ठीक है? तो अभी हम फ्रेम करते हैं दो लाइन। आर यू आर फीलिंग इरिटेटेड बिकॉज यू वैल्यू एक्नोलॉजमेंट बाय अदर्स स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, है ना? एकदम हाँ हो गया। बॉडी लैंग्वेज देखो इसका, पहले और अभी में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ठीक है ना? दिख रहा है ना? अब आप उसको थोड़ा उसको वो आप समझ गया ना, अब आप उसको थोड़ा समय दे दीजिए, वो भी समझे कि भाई मेरे को समझा गया, इतने लोग मुझे समझ गए यहाँ पे। अब आपको रिक्वेस्ट करना है, ये बहुत टफ है स्टेज फोर, ठीक है? इसका किसी के प्रॉब्लम को सुन के उसको उसके साथ उसको रियलाइज करा देना इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। 80% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया है अगर आपने इतना यहाँ तक आप ले आए किसी चीज़ को तो, ठीक है? साइलेंस पे भी आपने छोड़ दिया ना, तो उसके बाद वो खुद ही कुछ ना कुछ उसको अपने बारे में पता चल गया ना कि मेरा ये है दिक्कत इधर है, तो खुद भी कुछ सोल्यूशन निकाल के वहाँ तक पहुँचा लेगा, समझ रहे हैं? स्टेज फोर है सोल्यूशन। सोल्यूशन देने के पहले अगर स्टेज तीन स्टेजेस नहीं करेक्ट करोगे ना तो आपका वो जमेगा नहीं, इंडियन सॉकेट अमेरिकन पिन में लगाने वाला काम हो जाएगा, लगेगा ही नहीं, कब करंट ही नहीं आएगा। आप तो बोले मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं तो लगा रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, लेकिन करंट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट का सिस्टम आपने गलत लगाया हुआ, आपने वो पीने गलत पिन पकड़ लिया जिससे आपको करंट आना है, ठीक है? तो अभी मैं दिखाता हूँ, फोर्थ स्टेज दिखाता हूँ, ठीक है? व्हाट अल्टरनेटिवली शुड बी डूइंग टू चेंज इट, इसे निकाल के देखते हैं, अगर ये निकाल लेता तो बेस्ट, नहीं तो फिर हम देंगे। नहीं जनरली हम क्या करते हैं, खुद ही एडवाइस में आ जाते हैं, पहले इसी से निकाल लेते हैं, यही दे दे, अगर अगर ये नहीं दे पा रहा है तो उसको ऑप्शन दे दे के वहाँ तक लाने का जो अपना एडवाइस है, जब वो वहाँ तक आ जाएगा तो बोलेंगे यस गुड ओके, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? अब क्या इसी पे हो रहा है तो मतलब फ्रॉग भी यही है और है ना, और सब्जेक्ट भी यही है, तो उसे दिक्कत हो रहा है यहाँ थोड़ा करने में, लेकिन हम फिर भी करेंगे, है ना? तो इसके लिए आपको क्या व्यवहार में बदलाव लाने होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या बदलने से आपका जीवन जो है सही चलेगा? डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रहा है, मतलब मोबाइल से ज़्यादा आ रहा है। हाँ, तो आप कह रहे कि इरिटेशन का जो रीज़न है वो डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ये पूरा कारण नहीं है। ओके। वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्या कारण है। अभी भी फीलिंग हमने सही नहीं पकड़ा है, हमने 70-80% तक का जो है गेस वर्क में सही मारा हुआ है, एग्जैक्ट फीलिंग हम नहीं पकड़ पाए, है ना? देख रहे हैं ना आप, है ना? देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएटेड है, अभी भी 20-30% अभी भी कन्फ्यूजन बाकी है इसका। फीलिंग सही में पकड़ में आया होता ना तो एकदम बोलता यस दिस इज द वन, ठीक है? है ना, है ना? आर यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड? यस। ठीक है, अब देखो मैं बोलूँगा ना तो आपको सीखने में कुछ नहीं मिलेगा, समझे ना? मैं दंदना के 3 मिनट में सब निकाल दूंगा इसका जितना है, ठीक है? 3 मिनट में सब निकाल दूंगा इसका जितना स्टोरी है, लेकिन तुम ट्राई करो ना तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बोलो। आर यू फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? टोटली नहीं। देखो एक सोच लिया ना मतलब तेरा सही नहीं लगा है, सामने वाला का सोच के बोल रहा है ना मतलब तुमने सही नहीं बोला। जब तुम एकदम आ यार तू कैसा दोस्त है तू पहचान लिया मेरे को, ये जब तू कर देगा ना जिस लेवल पे तो तू वो समझ लो कि तू चैंपियन बन चुका है। तू इस बोला सेल्फ कंट्रोल वो भी नहीं हो पा रहा। नहीं है? अच्छा सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हाँ। ओके, सो यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू वैल्यू सेल्फ कंट्रोल। चलो एक और सही पकड़ में आया, ठीक है ना? पिछले सेशन में पूछा था ना विल पावर के बारे में, मेन रीजन उसके आसपास ही है, विल पावर को सही से बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो यू फील लैक ऑफ फोकस इन लाइफ एंड विल पावर एंड व्हेन यू डिसाइड थिंग्स इट डजंट गो फॉर लॉन्ग टाइम। तुम जब तक डिसाइड करते हो यहाँ तक पहुँचाना है बीच में टूट जाता है संकल्प तुम्हारा, टूट जाता है। तुम चाहते हो कि जब मैं ठान लूँ तो उसको पहुँचा दूँ वहाँ तक। हाँ। है ना? वो नहीं, वैल्यू पकड़ में आ गई, देख रहे हो? ठीक है, कंसिस्टेंसी विथ माई संकल्प को क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन बहुत हल्का वर्ड है। कंसिस्टेंसी विथ माई डेडिकेशन भी एक हल्का इधर उधर जा रहा है।
कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी विथ माई कमिटमेंट, ये तुम्हारी वैल्यू है जिस पे तुम चल नहीं पा रहे हो, जिससे तुमको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जीरो विदाउट थॉट उसने बोला, राइट? ठीक है ना? जब मैं पूछता रहता हूँ ना बात, तो आप उसको देखते रहिए, क्योंकि आपको उसके फेस वैल्यूज को देखते, जैसे सोच के बोला मतलब आपने गलत मार दिया, बिना सोचे हाँ बोल दिया मतलब एकदम सही तुक्का आपका सही लगा है। समझ में आ रहा है? करें एक्सरसाइज, सीखना है ना? तो अब आ गया आपका स्टेज वन फीलिंग, स्टेज टू हो गया वैल्यूज, दो चीज़ आपने क्रैक करी, आपने अब इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, तुरंत एडवाइस मत करिए, थोड़ा उसको उसको जब क्लियर हो जाएगा भाई ये चीज़ है, दो चार सेकंड, दस सेकंड उसको टाइम लगता है, एक आध मिनट, किसी को दस मिनट लग सकता है ना, उसको उतना टाइम छोड़ दीजिए। अब इसको करना है, इसको लाना है ट्रैक पे, ठीक है ना? विल पावर को ट्रैक पे लाना है, ठीक है ना? तो अब इससे ही पहले पूछ लेते हैं, एडवाइस तो हम कर ही देंगे, हम तो निशाना यहीं से मार देंगे, जो से हम सही उड़ जाएगा, तो डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है? आप लोग से हम एडवाइस करवाना चाहते हैं कि क्या एडवाइस आप लोग सजेस्ट करिएगा इसको? हम तुमको हम अभी क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे हम अभी तुमको? इसके मुंह से निकालना है, तुमको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, तुमको ये बोलना है। एडवाइजर क्यों बन रहे हो यार? वो एडवाइस कोई लेना नहीं पसंद नहीं करता किसी का लाइफ में, दुनिया में कोई किसी का एडवाइस पसंद, तुम अपना लाइन चेंज करके पूछो उसको, पूछो वापस, पूछो 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 उसी से। हाँ ये सही लाइन है। मुझे लगता है कि अच्छे आदतें जितना बनाऊँ उतना अच्छा होगा, कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे, वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको क्लियर नहीं है कि क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन इच्छा है कि सुधारना है, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव अ डिजायर टू इम्प्रूव। बोलो yes. उसको अप्रिशिएट करोगे तब ना तुम्हारे साथ आता जाएगा, खोलना पड़ेगा उसको बातचीत करके, समझ रहे हो? और कोई एडवाइस करना चाहे? हाँ सर्कल भी मैटर कर रहा है उतना, मतलब सही सर्कल नहीं मिल रहा। नहीं 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 नहीं, अभी तक तुमने बहुत अच्छा लिया था, पहला दो लाइन तुमने सही बोला, फिर तुम सजेशन पे आ गए, तुमने उसको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया ना, तो तुम उसके मुंह से निकलवाओ ना, तुम फिर एडवाइस क्यों दे रहे हो? तुम अपने मुंह से उसका क्यों एडवाइस दे रहे हो? जब तुम उसने वो हाँ बोल दिया ना, तब तुमको बोलना चाहिए तब तुमको क्या करना चाहिए, तुम बताओ। अब तुम बोलो कि अब तुमको क्या करना चाहिए? सर्कल में आह वाह क्या सवाल है, जियो जियो बिहार के लाला। सर्कल मतलब जो मेरी तरह हो, कंसिस्टेंसी में जो हो, हाँ। उसको देख के थोड़ा मोटिवेट होंगे ऐसा। अगला सवाल सवाल करो, तो ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल आपको कहाँ मिलेगा? हाँ टाइम पे सोते हैं 11 बजे और 6 बजे उठ जाते हैं। एक मिनट, वो सवाल को तुम खींच सकते हो, ऐसा सर्कल कहाँ मिलेगा? वॉइस में भी है। ओके, तो क्या करना चाहिए? वॉइस में ऐसा नहीं। सारा आंसर तो खुद ही कर रहा है, आंसर तो खुद ही कर रहा है, हम थोड़ी आंसर किए हैं, आंसर खुद कर रहा है, ठीक है ना? निकलवाने का तुमको एबिलिटी चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, समझे ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, मतलब ऑलरेडी कंट्रोल पा चुके हैं उसके ऊपर, मोबाइल कंट्रोल के ऊपर, वो प्रॉब्लम नहीं है, 20% ही प्रॉब्लम है टोटल प्रॉब्लम का। सवाल ऐसा करना चाहिए इसमें कि आपने बोला था कि मोबाइल से भी प्रॉब्लम है क्या, तो क्या करना चाहिए ना? थोड़ा सा ज़्यादा कोचने हो गया, तुम कोच दिया पकड़ के, इसलिए वो ना बोल दिया क्या है, सब मेरा हो गया, ठीक है ना? वो ईगो पे आ गया, वो भी ईगो से बोला, तुम भी कोच दिया, तो कोच दिया तो ईगो निकल गया, तुम नहीं कोचे होते हो तो नेचुरल निकलता था, ठीक है? देखो ना, देखो टिपिकली देखो कैसा होता है, थोड़ा सा कोचा गया, समझा ना? बोलना चाहिए था कि मोबाइल का अभी जो तुम बोले है ना, ये अभी ठीक है ना, या बोल सकते मोबाइल का जो है उसका भी कुछ सॉल्यूशन सोचे हो,
ठीक है, जो तुम बोले उसका भी कोई सोल्यूशन सोचे हो, तब वो सोल्यूशन मोड में जाता था, तब अपने से सोल्यूशन निकालता था, है ना, है कि नहीं। मोबाइल का भी कुछ सोचा हो क्या करना है? हाँ, उसके ऊपर कंट्रोल पा चुका है, मतलब कब करना है कब नहीं है, कब छूना है कब नहीं है। बढ़िया, बोलो। नहीं, बुरी आदतें तो है लेकिन उस कंट्रोल पा रहे हैं, टोटली कंट्रोल नहीं पाया लेकिन विल पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया। चलो ठीक है, नहीं फिर ये कुछ ना हो गया। तुमको निकालना है मैटर के अंदर, तुमको तुमको यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर नहीं बनना है कि जाके तुमको कल जाके न्यूज पब्लिश करना है कि फलाना 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 गांव का निवासी जो है फलाना चिल्लाना ढकाना चीज करके अमुक अमुक जगह चला गया। ये नहीं करना है तुमको, किसी को थ्रेटन नहीं करना है, डराना नहीं है। बहुत हेल्दी एटमोसफेयर रखोगे तो चीज निकलेगी। ना उसको चढ़ाना है, चपलूसाई करना है, ना उसको डराना है, बीच का हेल्दी फीलिंग को मेंटेन रखना है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। यस, चलिए ठीक है। और मतलब ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। हमने इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं दिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ सॉल्यूशन इसका अभी तक दिया नहीं, लेकिन इसके प्रॉब्लम को सही पहचान के इसको दे दिया ना, इसी को दे दिया सॉल्यूशन, ये खुद निकाल लिया। और 10-20% जो बच गया वो धीरे धीरे एक झटके से भी नहीं हो जाएगा, वो एक दिन दो दिन तीन दिन पाँच दिन दस दिन मिलेगा, दो चार बार दो चार राउंड करेगा, वो क्लैरिटी के साथ साथ सॉल्यूशन पे निकलेगा आएगा। लेकिन आदमी रिलीव, कैसा फील हो रहा है आपको अभी, अभी आपको कैसा फील हो रहा है, माइक पे बोल दो, अभी कैसा फीलिंग हो रहा है? क्या कंप्लीट करना था? और आज जो कंप्लीट करना था नहीं कर पाए तो बुरा लग रहा है। ठीक है, और कोई अपना प्रॉब्लम बताना चाहेंगे? सोच रहा हूँ इज्जत का तो धनादा निकल जाएगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे आ जाओ कम। अरे भैया कहाँ, बेगूसराय का है क्या, बक्सर का? आ जाओ, हमको लगा बेगूसराय। हाँ चलिए बोलिए। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ दूसरे को रिस्पेक्ट दूँ, बट एंगर में मैं अपराध कर देता हूँ। स्टेज वन, जो सिखाए हैं उसके हिसाब से जाने का, हड़बड़ाना नहीं है। स्टेज वन क्या है, क्या है? इमोशंस, फीलिंग्स। और फीलिंग पकड़ो, कौन सा फीलिंग जा रहा है? नहीं, उसको फीलिंग को पकड़ना है आपको। पहला पहला स्टेज में फीलिंग पकड़ना है, उसका फीलिंग क्या है या इमोशन क्या, क्या इमोशन के थ्रू वो गुजर रहा है। हाँ तो उसको पूछो, अरे यहाँ MCQ नहीं सॉल्व करना है, बोले आर यू फीलिंग इरिटेटेड, पूछो। नहीं नहीं हो गया, चलो गलत हो गया। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई मारो। नो, सम टाइम। No. सही फीलिंग आते टन से हाँ बोलेगा, वो सोचेगा नहीं, सीधा हाँ ही बोल देगा। सोच, इतना सोच लिया मतलब गया तुम्हारा आंसर गलत है। गलत में देख। Yes. Okay. Yes. हाँ देखो 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 देखो, चेहरा देखो इसका, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो, देख रहे हो ना? राइट इमोशन पकड़ते कैसा चेहरा में देखो, कैसा डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है ना? जैसे सही पकड़ा कि एकदम चेहरा चेंज होगा, एकदम एकदम 100% होना है। और पकड़ो, दो चार और ट्राई मारो, और सही भी पकड़ा सकता है इसे। नहीं
अरे ये इमोशन नहीं है, वो तो डिस्क्रिप्शन है, प्रॉब्लम है। इमोशन हुआ कि इमोशन फीलिंग एक वर्ड में आ सकता है, एक वर्ड में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो क्या इमोशन के थ्रू गुजर रहा है, वो एक वर्ड होगा। आर यू फीलिंग डिस्टर्ब्ड, तो डिस्टर्ब्ड एक वर्ड है। आर यू फीलिंग एंग्जियस, आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड, आर यू फीलिंग इलेटेड, आर यू फीलिंग जॉयफुल, ठीक है, ये सब इमोशंस हैं जो एक वर्ड में आप बोल सकते हो, ठीक है। आर यू फीलिंग हेट्रेड, देखो आर यू फीलिंग हेट्रेड, नहीं एक इमोशन है हेट्रेड, है ना, है ना, है ना। आर यू बहुत सारी चीजें, आर यू फीलिंग डिसहार्टेंड, दिल टूट गया तुम्हारा, ऐसा फीलिंग हो रहा है, नो हाँ ये सब फीलिंग्स तुम नोट कर सकते हो, मैं तो बहुत चीज बोल दूंगा बोलते बोलते, तो आप बोलते बोलते आप नोट भी कर सकते हो। बहुत सारी इमोशंस हैं हमारे, जिन इमोशंस में हमारा जो है ना बहुत बड़ा इस... हाँ अंडरस्टूड, हाँ आर यू फीलिंग मिसअंडरस्टूड, लोग तुमको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है? यस समटाइम्स, समटाइम्स ओके। आर यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड? नो नहीं, ट्राई मारते रहने क्या लगेगा, देखो कुछ गलतियां मैं जान के भी करूँगा ना, तुमको लगेगा मैं नॉर्मल मैं बता दूंगा, अगर प्रभु जी तो बताइए देंगे, ऐसा फीलिंग आ गया मतलब मैंने गलत सिखाया, तुम मैंने तुमको सही टीचिंग नहीं दिया, तुमको एक नॉर्मल सिख उठाना, ये हो गया ना। पहला इमोशन हमने क्या पकड़ा, कौन सा सही गया था? परफेक्शन हर एक काम में, वो तो वैल्यू है एक्चुअली, परफेक्शन एक वैल्यू है, उसने वैल्यू पकड़ लिया डायरेक्ट। पहला चीज इमोशन पकड़ना था तुमको, इसको क्या हो रहा है, व्हाट इज अंडर गोइंग डिस्टर्ब, डिस्टर्ब उसका इमीडिएट इमोशन था, उसके पीछे का सिस्टम था कि परफेक्शनिस्ट नेचर है इसका, ठीक है ना। जब परफेक्शन पे चीजें नहीं चलती है तो डिस्टर्बेंस आता है, आप देखो yes, है ना, सोच के नहीं बोलेगा, थट से बोल दिया मतलब सही है ना, राइट। अब स्टेज थ्री क्या है, स्टेज थ्री क्या है, साइलेंस, कुछ करना नहीं है ना। स्टेज फोर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या करना है, क्या करना है, कोई करे रिक्वेस्ट, ट्राई मारे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, क्या बोले, ओके हाँ, आप डिस्टर्ब क्यों हो जाते, जब चीजें सही से नहीं चलती है तब, नहीं आपके अकॉर्डिंग वाला बात नहीं, ये तो ईगो पे आ गया, कोच दिया तुम पकड़ के, इसको बोलते हैं कोचना, इसको कहते हैं कोचना, ऐसा बोलेगा तो वो भी ईगो पे आएगा फिर, मतलब हम गलत हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम बड़का सही आया है। जब चीजें सही नहीं, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अच्छा से करना चाहिए। No, I am asking that suppose you are doing something under somebody and you are not able to do perfectly. You are trying but not able to do perfectly. Then if the other person is feeling very irritated and he expects from you perfectionism, then how do you feel? You feel uneasy, isn't it? Yes. So now, if you are working with someone and they don't behave properly, and suppose somebody you are working with and when you perform wrong and he gives you space, he understands you, helps you, then how do you feel? He helps you to come to the perfection level, he's with you, then how do you feel? Relaxed. You feel comfortable, okay. So when you are working with someone and he's not able to do things properly, then how should you help him or how should you deal with him? Behave properly. When you are not able to do things perfectly, okay, and somebody is angry at you, expecting for you, feel uneasy. And when somebody is trying to help you, even if you have committed mistake, he's trying to help you to come to the right level, how do you feel? Nice. He understands you, gives you yes. space, gives you time to grow, you feel yes. nice. So if people are working with you and they are not able to perform nicely things, they are struggling,
then what should you do? Help them. Help them. Okay, so if you help them, how will they feel? Nice. So if you, so what do you feel if you, like this problem you're addressing, that you're feeling disturbed when people are, you're feeling disturbed. So if, what should you do? If I commit offenses to you. So now, what should you do? Now, why were you committing offenses? Because they are not able to do in my way. So now what should you do? I have to behave with them properly and help them do the... Okay, so you want to help others if they are not able to do perfectly. Yes. Okay. Altanish, what is another thing that you told Kumali Rappu? बहुत ही बढ़िया से बता पाए. कमाली लपू ने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक उसको गाइड किया, अच्छा बताया. इसमें जैसे कि हम बता रहे हैं ना, इसको जैसे हम जब सॉल्यूशन पार्ट पे जब आ रहे हैं, जब इसको किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो सामने वाला थोड़ा वेग होता है अपने सॉल्यूशंस के साथ. तो उसको उसको एकदम क्लैरिटी लाने के लिए लिखवाना चाहिए, है ना. तो उनको बोलिए कि कैन यू राइट डाउन what alternative behavior of yours can help you out, can you write down and show us. ठीक है ना, है ना, ठीक है ना. वो बहुत रिलैक्स फील करेगा, नहीं तो उसको क्लैरिटी नहीं आएगा कि भाई करना क्या था. इतना सारा चीज़ बता तो दिया गया, लेकिन करना क्या था उसको क्लैरिटी नहीं आ रहा वहाँ पर. थैंक यू, बैठ जाइए, ताली बजाइए भाई, इतना मेहनत डेयरिंग किया हुआ आगे आने का. दो ही प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है. कोई और आना चाहे? कोई और कुछ कहना चाहे? कोई और टाइप का, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है तो अच्छा है. कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उसको देखिए. हम भी ऐसा नहीं करेंगे, हम आपका सॉल्यूशन दे ही देंगे, ठीक है. हम ट्राई करेंगे, एटलीस्ट यू लर्न योरसेल्फ आल्सो. हम ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का, हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए, गारंटी. इन लाइफ यू कैन आल्सो हेल्प अदर्स, है ना, गेटिंग द साइंस ना. हां, स्टेज 1 पे हमको निकालना है फीलिंग्स, सामने वाले के फीलिंग को पकड़ना है. स्टेज 2 पे वैल्यूज पकड़ने हैं. स्टेज 3 पे सैलिस और स्टेज 4 पे रिक्वेस्ट. कोई ट्राई करना चाहेंगे? एफ फॉर फीलिंग्स, वी फॉर वैल्यूज, एस फॉर साइलेंस, आर फॉर रिक्वेस्ट. ठीक है, सो कोई कोड वर्ड बना लेंगे तो अच्छा है. ठीक है, ठीक है. और कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम नहीं ले सकते हैं इसको, कैसे निकालते हैं हम उसको देख सकते हैं. अब इसके बाद एक स्टेज 2 ये है. स्टेज 2 ये लेवल 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, लेवल 2 है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि जो सामने वाले पे आप लगा रहे हो ना, वो खुद पे लगाओ. सामने वाले को प्रॉब्लम देख के हमको क्या हुआ, हमको क्या फीलिंग आए, ठीक है. उसका हमारे वैल्यूज क्या हैं. उसके बाद साइलेंस, अपने दिमाग से थोड़ा ठंडे दिमाग सोचोगे फिर ओके, ठीक है. और अपने आप से एक रिक्वेस्ट करो, ठीक है, एक अल्टरनेटिव बिहेवियर, ठीक है. बहुत बहुत डिफिकल्ट है वो अपने आप से रिक्वेस्ट करना, वो प्योर प्रैक्टिकली प्योर डिवोटी बनने के बराबर है, ठीक है. आपने जब उसको देखा प्रॉब्लम तो आपको क्या हुआ, कोई बोलना चाहेगा? अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा. कोई तो प्रॉब्लम में है, अब मैं अकेला नहीं हूँ. तो फीलिंग आया जॉय, गुड, हैप्पी, हैप्पी फीलिंग आई हमको. क्यों भाई, बाकी लोग भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है ना, है ना. कम्युनिटी फीलिंग आई मेरी, है ना. तो आई वैल्यू कि हम साथ साथ हैं, रिलीफ हुआ. हाँ, आई फेल्ट रिलीफ, है ना, कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में और भी लोग प्रॉब्लम में हैं, है ना. फिर वैल्यू सिस्टम आया, है ना. तो भाई अरे मैं इतना गंदा हूँ, दूसरे को दुख में देख के मुझे सुख हो रहा है. तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तब साइलेंस आएगा, थर्ड स्टेज. साइलेंस में आपको अलग अलग चीज़ को याद आएगा अलग अलग जगह से.
पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भासी पर दुख सुख कर आत्मनि क्या आत्मनिधन ना तुया पदे करी होइनु परम सुखी दुखे दूरे गेलो चिंता ना रहिलो दुखे दूरे गेलो चौदी के आनंद देखी चौदी तो ये मतलब इस सॉन्ग का ये है कि मैं इतना दुष्ट हूं कि दूसरे के सुख से दुख होता है और दूसरे का दुख हुआ तो बड़ा सुख होता है बड़ा मतलब ये मेरा वैल्यू सिस्टम है भी तो आदमी अपने आप को ये एक्सरसाइज क्या करता है अपने आप को पहचानने में मदद करता है ना अपने आप को पहचानोगे ना तो फिर अगला स्टेज आएगा साइलेंस ओ माय गॉड मैं ये हूँ तो रिक्वेस्ट करोगे भैया तू क्यों नहीं सुधरता है किसको बोल रहा है अपने मन को मेरे मन तो सुधरता क्यों नहीं है तू ऐसा कैसा क्यों है ना एक अल्टरनेटिव बिहेवियर क्यों नहीं करता जब आदमी अपने से सुधरने का ठानता है ना तब पक्का ही सुधरता है वही एक समय है जब आदमी सुधर सकता है दूसरे के कहने से कोई सुधरता नहीं है जब अपने से ठानता है ना चीज़ों को कि ये चीज़ अगले बार और उस समय जब भी आपको ये एक्सरसाइज करना ना कागज पे लेके अल्टरनेटिव बिहेवियर उधर ही लिखिए कि अब अगली बार मैं बहुत इंसल्ट करता हूँ लोगों का अगला पेपर पे लिखिए जैसे मैं लिखूँगा पेपर पे कि नेक्स्ट टाइम ये कहाँ से आया मेरे अंदर मैं थोड़ा अपना मंथन करूँगा अरे बचपन में मैंने देखा था कि जो इंसल्ट करते हैं ना उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं वहीं से मैंने वैल्यू ले लिया है कि इंसल्ट करने से क्या होता है लोग वैल्यू करते हैं तुमको ठीक है तो कहाँ से तुमने वैल्यू पकड़ा और बचपन में तुमने कहीं कुछ मूवी देखा है किसी को कुछ डांटते देखा और लोग उसको हाँ तो तुमने वहाँ से उठा लिया वैल्यू इसको कहते हैं अनर्थ कचड़ा उठा के रख लिया अपने पास है ना कोई काम का है अब तुम उस पे खुद ही सोचो कि यार ये कहीं मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है चीज़ ये मैंने गलत चीज़ उठा ली अपने लाइफ में गलत स्क्रिप्ट लिख लिया है इसको मैं अंडू करूँगा लिखेंगे पेपर पे कि आज से इंसल्ट बंद कर ठीक है ना इंसल्ट हम नहीं करेंगे बहुत बड़ी चीज़ हो रही है फीलिंग्स वैल्यूज साइलेंस आप अच्छा साइलेंस है इसलिए आप लोग बोल नहीं रहे थे ओके आप समझा और रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है दूसरों के साथ भी कर सकते हैं खुद के साथ भी कर सकते हैं अगर आप इसमें मास्टर बन गए इस चीज़ में आप जिंदगी में सारे प्रॉब्लम करके आप सॉल्व कर लोगे ठीक है क्योंकि आप एकदम किसी से भी जमा लोगे और अपने से जब जमता है ना आदमी का तो आदमी दूसरे से भी जमा लेता है और अपने से ही परेशान है तो दूसरे से कैसे जमाएगा है ना समझ रहे हैं है ना क्लियर है ना ये एक्सरसाइज क्लियर हो रही है अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप कभी भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं गिरेंगे ये मैंने जो बुक है 12 सूत्रों ऑन लीडरशिप उसमें चैप्टर 4 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ये एक्सरसाइज को कैसे करते हैं अमेजोन पे अवेलेबल है और सारे फीलिंग्स वहाँ पे लिस्ट बना के डाला हुआ है और वैल्यूज का भी लिस्ट दिया हुआ है उस बुक में ठीक है अब परचेज कर लोगे किंडल में मिल जाएगा 100 रुपये का है ना ई कॉपी और उसमें आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे वहाँ से वैल्यूज ले लो वैल्यूज लिख के रख लो कागज में और कहीं चिपका ही दो देखो कि ये वैल्यूज आपने बात करते समय किया कि नहीं किया और आजकल का एजुकेशन ऐसा हो गया ना सबको MCQ टाइप बना दिया है ठीक है गिल्टी अरे ऐसा नहीं बोला जाता चीज़ों को ऐसा नहीं बोलते थोड़ा मिठास अनुद्वेग कर्म वाक्य ऑस्टेरिटी स्पीच क्या है स्पीकिंग मीन्स दैट ट्रूथफुल प्लीजिंग एंड बेनिफिशियल प्लीजिंग भी होना चाहिए ना भाई कैसा जो बोल रहे हो है ना प्लीजिंग बोलना है ना प्लीजिंग नहीं बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा है कि नहीं ठीक है ये क्लियर है हाँ और
कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई कुछ अपना प्रॉब्लम सुनाना चाहेंगे? सॉल्यूशंस तो बहुत है दुनिया में, लेकिन आदमी को आदमी समझने वाला ही कोई नहीं। जब आदमी को कोई आदमी नहीं समझ रहा है ना, तो आदमी क्या सॉल्यूशन लेके करे, जिए ही किस लिए जब कोई समझ ही नहीं रहा है ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तब आते हैं जब हम आदमी को अनह्यूमन समझते हैं। ये भी कर दे सामने वाला, वो भी कर दे, सब कर दे, तो अनह्यूमन समझते हैं। लेकिन जब फीलिंग्स और वैल्यूज पकड़ना चालू करोगे ना, आपको समझ में आएगा दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है और आप बहुत जमीन पे चलोगे, लाइट वेट फील करोगे अपने आप को, है ना। इससे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी चेंज कर सकते हो। एक बार मेरा ड्राइवर, यहाँ नहीं पहले कहीं की बात है, उसने रॉन्ग रूट पे गाड़ी डाल दिया, ठीक है, घुसा दिया, ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, एकदम पकड़ लिया, फाइन भी करता, ठीक है। मैं जो देखो फाइन भरना में सोचा कि अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को ये प्रैक्टिस करना था उस समय कि ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि भाई ये चारों स्टेज में प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि कैसा कि एक ह्यूमन के तरह में बात करूँ इससे, एक इंसान के तरह बात करूँ। चलो फाइन गलती है तो फाइन देना तो चलो ठीक है बनता है, लेकिन बात करने का तरीका तो मैं सीखूँ इससे कैसे बात करना है। तो मैंने बोला कि फीलिंग ना, मैंने बोला मैं देख रहा हूँ कि आप कितने परेशान हैं सबको लाइन पर चलाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं ना, जबरदस्ती ऐसा डाल दे रहे हैं गाड़ी कि आपका परेशानी बढ़ जाए। हाँ बोलो। आई वाज सरप्राइज्ड, मेरे को सरप्राइज फील हुआ। मेरे को क्या फील हुआ? आई वाज सरप्राइज कि इट वर्क्स, है ना। फिर मैं बोला कि आप यही चाहते हैं कि सब लेन में चले जिससे कि ट्रैफिक क्लियर रहे, ट्रैफिक कहीं जाम ना हो। बोला यस, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं 10 सेकंड छोड़ दिया, 10 मिनट कुछ समय छोड़ दिया उसको। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं, मैं रिक्वेस्ट भी नहीं किया उसको, मैं इतना ही किया था। उसका जाओ बोला छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। उसको पहली बार लगा कि हाँ, मैं ये भी बोला आप यहाँ दिन भर धूल में यहाँ पे मास्क लगा के इस रोड पे आप यहाँ पे खड़े हैं धूप में और इतना डस्ट में, इसीलिए ना कि लोग सब लाइन पे चलें और जाम ना हो। और देखिए कि गलती हो जाती है कि हम लोग ऐसा डाल देते हैं। मैंने गलती भी एक्सेप्ट कर लिया, उसके फीलिंग को पकड़ा, उसके वैल्यूज को पकड़ा और उसको छोड़ दिया। अब तुमको फाइन करना है तो करो, पैसा देने के लिए तैयार है। बोल जाइए, बोल हरे कृष्णा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फाइन से बचने का तरीका है, ये फाइन से बचने का तरीका नहीं है, ये इंसान बनने का तरीका है। क्या है ये? इंसान बनने का तरीका है, एक ह्यूमन बींग बनने का तरीका है। आदमी सामने वाला मशीन नहीं है कि यूज करो फेंक दो, उसके भी कुछ भावनाएं हैं जिससे वो इरिटेट हो रहा है। उसको पहचानो तो आदमी का इंसानियत बची रहेगी दुनिया में। एक फॉरेन में एक स्टोरी, एक लड़की स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो जो है उसको स्कूल वालों ने बोला था कि शाम के बाद मत रहिएगा, बदमाश वो चक्के घुसते हैं। वो रह गई, पेपर चेक करना था, रह गई। तो एक घुस ही गया, कोई मवाली घुसा। फॉरेन कंट्रीज में लोग कम होते हैं ना, बिल्डिंग होते हैं बड़े, लेकिन लोग एकाध होते। घुसा, गन निकाला, रिमूव योर क्लोथ्स। इसने एक कोर्स किया था ऐसा ही कुछ, तो मीठा बोलने का कोई कोर्स किया था कहीं पे। उसने सीक्वेंस उसने लगाया कि भाई ऑप्शन ही क्या उसके पास है ना, कुछ तो यही सब कुछ करना है। तो उसने गेस किया कि उसको क्या इमोशंस आ रहे होंगे। इसने बोला, लेकिन जो उसको समझ में आया उस प्रेशर में, आर यू फीलिंग पिस्ड ऑफ, आज ये करना ही है तो मतलब इसका मतलब ये है, पिस्ड ऑफ का मतलब। यस, रिमूव योर क्लोथ्स। बोले आई कैन सी हाउ मच यू आर हैंकरिंग, हाउ मच यू आर ऑब्सेस्ड टू डू इट। अरे यस आई एम, रिमूव योर क्लोथ्स। फिर से बोला आई एम फीलिंग स्केर्ड बाय गन इन योर हैंड। बोला आई एम टेलिंग रिमूव योर क्लोथ्स। कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बोले इसने बोला कैन आई डू समथिंग एल्स फॉर यू, ओके गिव मी योर पर्स।
से पर्स दिया, पैसे लिए, फेंक दिया पर्स, वो चला गया। इसको कहते हैं सामने उसको पहली बार जिंदगी में किसी ने समझा। उसने तो ये रेप बहुत किए होंगे, पहली बार उसको लगा कि कोई तो समझा यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई ज़रूरत है। जैसे उसको समझ में आया कि उसकी ज़रूरत को कोई समझ रहा है, वो भी सामने वाले के डर को समझा कि इसको डर लग रहा है मेरे से, उसके अंदर भी एक इंसान है। इतना वो समझ गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग जा रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। उसका उसने थोड़ा समय दिया और फिर बोला कैन आई डू समथिंग एल्स फॉर यू, मैं तुम्हारे कुछ और कर दूँ, इसके अलावा कुछ कर सकती हूँ तो बोलो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, इसमें कोई थ्रेट नहीं है। फिर उसका जो है ना दिल पिघल गया, इंसान उसको पहला मिला ना, बोला ठीक है पर्स दे, पैसा लिया और चला गया। कैसा था, कैसा था स्टोरी? हरे कृष्ण। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज भागवतम में है, लेकिन मैं वहां से स्टोरीज नहीं लिया खास करके जान के, कि आपको लगेगा वो तो पहले के जमाने में हुआ करते थे, आजकल नहीं होते होंगे। सामने वाले को आप इंसान समझोगे, वो भी आपको इंसान समझेगा, ठीक है, एकदम इंसान समझेगा। सामने वाले को आप मशीन समझोगे, ठीक है ना, ऑप्शंस दोगे और क्या बोलते हैं एमसीक्यू के आंसर्स दोगे, तो फिर वो भी आपको वैसा ही ईगो पे ले लेगा। इंसान समझोगे, वो भी आपको इंसान समझेगा। हम ट्रेन में जा रहे थे पुणे से चेन्नई, और एक व्यक्ति सामने बैठा था मेरे साथ, एक अमल महापुर बैठे थे डिवोटी, और हम लोग बात कर रहे थे और वो बड़बड़ कर रहा था, ठीक है। फिर वो बोलना चालू किया, है भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, ठीक है, अरे भगवान, पूरा एकदम चिल्लाना चालू किया एकदम बोगी में, ठीक है, ये सब सब पाखंड है, ठकोसला है सब। वो अमल महापुर तो बोला इसको पॉइंट वाइज को आज छुड़ा देता हूँ, वो तो पूरा इंटेलेक्ट जानते हैं, IIT खड़गपुर का 2004 5 या 6 का पास आउट है, शायद 7 का पास आउट है, टॉपर है खड़गपुर का, KGP का टॉपर था, ब्रह्मचारी। वो पूरा एकदम उसको उसने राइट लेफ्ट उसको जितना क्वेश्चन से सारे उसने क्वेश्चन दाग के इसके सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, उसको सिद्ध कर दिया तू मूर्ख है, लेकिन वो फिर भी वो और भड़क गया, ठीक है। और वो उसके बाद ना इमोशन, हाइपर इमोटिव इमोशन होकर एकदम दे जो समझ अंडरस्टैंड बोलना चालू किया। मैं सोचा लेट्स ट्राई दिस, इसको जरा ट्राई करके देखते हैं कैसा काम करता है। मैं बोला, मैं सोचा मेरे को क्या फीलिंग आया इसका सुन के, मैंने बोला अपना ही बोल देता हूँ इसको। मैं बोला आई एम फीलिंग इंसल्टेड। बोले नहीं, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बोला ना आई एम फीलिंग इंसल्टेड, मैंने कोई लॉजिक ही नहीं दिया कि भगवान है तो क्या लॉजिक और भगवान नहीं तो क्या लॉजिक, वो मैंने छोड़ ही दिया पार्ट। मैं बोला मेरे को क्या हुआ, मैं वो बताता हूँ इसको। मतलब मेरे को बड़ा इंसल्टेड फील हो रहा है, आई एम फीलिंग इंसल्टिंग ह्यूमिलेटिंग, आई एम फीलिंग ह्यूमिलेटेड, एकदम मेरे को तुमने एकदम बेइज्जत कर दिया ऐसा फीलिंग आ रहा है। बोला अरे ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक वैल्यू है, मैं मानता हूँ, मेरी आस्था है भगवान में। अरे मेरी भी है, मैं बालाजी जा रहा हूं। उसके बाद 5 मिनट तक मेरे को कन्विंस करता था, यू शुड नॉट फील लाइक दिस, यू शुड नॉट फील लाइक दिस। वो मेरे को समझा रहा है कि तुमको ऐसा फील नहीं करना चाहिए, 5 मिनट तक मेरे को समझा रहा है। और सब लोग बोगी में देख रहे क्या हो गया अब तो, 1 मिनट में क्या बाबा जी ने क्या इसका चेन घुमाया दिमाग का कि क्या ऐसा उल्टा बोलने लगा तुरंत। मैंने इसको इतना ही दिखाया कि मैं एक आदमी हूँ यार, तत्व ज्ञान तो एक साइड रहने दो, मैं एक इंसान हूँ, मेरे को खराब लगा सुन के। तो बोला अरे तू काहे को खराब फील कर रहा है यार, तू आदमी तो हम भी आदमी है ना, हैं हम यहाँ इंसल्ट करने थोड़ी बैठे हैं। समझ रहे ना, ये समझ लो कि 90% जगह ये लग जाएगा, 90-99% जगह ये टेक्निक लग जाएगी, और जो एक जगह नहीं लगी समझ लेना कि वो हम भगवान तो है नहीं, भगवान में गीता सुनाए थे तो सब तो नहीं ना सुने, भगवान रिक्वेस्ट किए भक्त बन जाओ, सब बन गए भक्त। आपका काम है ये तरीके से बोलना, इंसान को इंसान समझना, बाकी आगे वाला उसके हिसाब से करता, ठीक है ना।
ठीक है, इसको जितना प्रैक्टिस करिएगा आप, जाकर प्रैक्टिस करिए इसको, सामने वाले के इमोशंस को समझ के बोलिए, अगर वो सही बोल दिया ना आपने, एकदम रिलैक्स फील करेगा, इमीडिएट रिलैक्स फील करेगा, एकदम रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। एक भागवतम से एक स्टोरी बोल के मैं एंड कर दूंगा। ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज लड़ने गए, उनके भाई, उनके सौतेले भाई को किसी ने मार दिया, वो गए जाके वो उनको इतना मारा है, सबको एकदम काटना चालू किया, यक्षों की पूरी सेना हरा दी सबको। तो उनके जो दादाजी थे, ध्रुव के पिताजी उत्तानपाद के पिताजी मनु, दादाजी आ गए वहाँ पे, बोले अलम वत्स अतिरोसे न तमो द्वारे न पाप मना। उन्होंने भागवत में श्लोक बोला, अलम वत्स अतिरोसे न, तुम जो हो ना एक्सेसिव एंगर में आ गए हो, ठीक है ना, क्या है फीलिंग, क्या पकड़ा उन्होंने, फीलिंग एंगर है ना, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि तुम आ गए हो, कह रहे अलम वत्स अति रोसे ना, हे बेटा बहुत गुस्से से है ना नरक का रास्ता खुलता है, ये नहीं कह रहे कि तुम गुस्से में, बोलने का स्टाइल में बहुत फर्क है, कोंचा नहीं जा रहा है, तू गुस्से में आ गया बहुत, ये कोंचना हुआ। और ये बोलना कि बहुत गुस्सा जो है नरक ले जाता है, ये नॉन थ्रेटनिंग स्पीच हुआ, बात समझो, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों लाइन में, दोनों लाइन में बहुत फर्क है ना, तू गुस्से में है और गुस्सा नरक ले जाता है, दोनों में फर्क है कि नहीं, है ना लाइन में फर्क। हाँ, तो वो बोलने का प्रैक्टिस, इसीलिए तपस्या है स्पीच का, वैसा बोलना एक तपस्या है। तमो द्वारे ने पाप मना, ठीक है, इतना मारना भी उचित नहीं था, वैल्यूज पे आ गए, इट वॉज नॉट प्रॉपर टू किल सो मेनी ऑफ देम, एक भाई मरा तो इतने को मारना उचित नहीं था, वैल्यू सिस्टम पे ला दिया, एक का बदला अनेक नहीं हो सकता, एक का बदला एक। और उन्होंने बोला, साइलेंस किया, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया उससे, ठीक है। ध्रुव ने अपने आप ही बोला, ठीक है हम लड़ाई बंद कर दें। अरे भाई बहुत दिमाग का तेज था उसको, इतना हिंट बहुत हो गया उसके लिए, इतना ही हिंट में पकड़ के उठा लिया उसको, मतलब बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, उसने बंद कर दिया लड़ाई। मनु महाराज को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और पीछे से कुबेर को भेज दिया, तुम जाओ, देखो ये सेटिंग है ना भाई, अब उसको जो उनको खुद देना था वो नहीं दिए, कुबेर जाके बोला क्या पैसा चाहिए, बोलो हम सब दे देंगे तुमको, बहुत खुश हैं, एक्चुअली पीछे से आया इन्फॉर्मेशन, जाओ मेरा पोता है, अब हम कैसे डायरेक्ट दें, तुम ही दे दो जाके। अब मनु के नीचे ही सब लोग हैं, 71 चतुर्युग तक सारा पावर उन्हीं के हाथ में। कुबेर ही जाके बोले क्या चाहिए, तो ध्रुव बोले हमको खाली भक्ति चाहिए, तो और खुश हो गए, ठीक है शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दी, एक अलग लेवल पे चला गया। एक और एग्जांपल देता हूँ भागवत तुमसे, ये लास्ट, अब बोलो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रभु जी, आप सच बोलिए कि यही लास्ट है। पांचवां स्कंद में जड़ भरत की कहानी है, राजा भरत पूरे धरती के सम्राट थे, आखिरी समय में एक हिरण को पाल लिए जंगल में जाके, और हिरण को देखते देखते मर गए, अगले जन्म में हिरण बन गए, जो देख के मरोगे सोच के मरोगे अगला जन्म वैसा हो जाएगा, हिरण बन गए, लेकिन बोले फंस गया, हिरण के चेतना में भी उनके चेतना वही था कि भाई मैं कहाँ फंस गया हिरण बन के। तो जब हिरण बन के मरे तो अगले जन्म में एक महाभागवत जड़ भरत करके पैदा हो गए, नाम था उनका भरत, जड़ मतलब एकदम पागल टाइप, कुछ ऐसा कर देता था कि लोग सोचते थे पक्का पागल है, लेकिन पागल नहीं था, अंदर से एकदम अलर्ट था कि इस दुनिया में फंसना नहीं है, हिरण से मेरा एक जिंदगी बर्बाद हो गया, दो जन्म बर्बाद हो गया हिरण के कारण, भरत का और हिरण का दोनों बर्बाद हो गए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बोलना नहीं, तो एक बार क्या हुआ, एक राजा रघुगुण था, छोटा मोटा राजा था, भरत थे अपने ज़माने में दुनिया के राजा, ठीक है सम्राट, पृथ्वी के सम्राट, ये रघुगुण था एक सिंधु सोवीर, एक पंजाब के साइड का एक एरिया का राजा था, वो वहाँ से कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था उनके गुरुजी के यहाँ डोली पे बैठ के, उसके डोली में एक आदमी कम पड़ गया, उसने खोजवाया तो ये आदमी पागला टाइप का है, जो खेत का रखवाली करने कोई बिठा दिया था जलल भात खिला के, कि बदले में जलल भात मिलेगा, तो वो कुछ जलल भात तो चलेगा लेकिन फंसना नहीं ना, तो मालूम चलेगा जलल भात में अच्छा भात में फंस गया इस जन्म में, वो एकदम अलर्ट था, मतलब अंदर से फुल अलर्ट आदमी था, बोला चलो डोली में कहार बन जाओ, लग गया उसको,
चलने लगा, नीचे देखा कि चींटी है, चींटी में पैर रखता नहीं था, इधर उधर हो जाता, डोलिया हिल जाता था। बाकी कहार लोग तो एकदम वो थे, डल माइंड, वो चींटी उठी को उसको कहते सीधा चलना था, चलता था, इसकी वजह से डोली हिलता था। अरे कौन हिला रहा है, हुजूरी नया है ना वही हिला रहा है, हम लोग तो सीधा चल रहे हैं, लेट ही चलो। फिर हिला, ए कौन हिलाया, हुजूर यही हिला रहा है, बार बार यही हिलाता है। बोला डर भाई नहीं है, वहां में हम पहुंचा देंगे तुमको जहां पहुंचना है, थक गए हो का बहुत, बहुत देर से चल रहे हो, अभी लगभग किया था, 2 मिनट नहीं हुआ था लग। जड़ भरत जिंदगी में पहली बार पीछे मुड़ा, बुद्धिमान वाला काम अभी किया, पहले बार, आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला है जिंदगी में, चुप रहा है, एक अपने माँ बाप को भी एक शब्द नहीं बोला था, पहली बार पीछे मुड़ा, बोला राजन तुम कह रहे हो कि मैं लंबा चला, मैं तो चला ही नहीं, चलना तो तब होगा जब मैं, मेरा रास्ता ये है, मेरा रास्ता तो वैकुंठ है, मैं तो उधर जा रहा हूं, इस रास्ते में चला ही कब, तुम कहते हो तुम मार के मुझे सुधारोगे, तो सुधारना केवल उसको सुधारा जा सकता है जो बीच में है, पागल और परमहंस को सुधार नहीं सकता, मैं तो परमहंस हूं, और तुमको लगता है कि मैं पागल हूं, पागल को भी मारने से सुधरेगा नहीं, अगर मैं पागल हूं तो भी नहीं सुधर सकता हूं, अब परमहंस है तो सुधरने का स्कोप नहीं है, उसके बाद और सुधरने का जगह नहीं, वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, तो तुम्हारे कहने से फिर फर्क नहीं पड़ता। ये बोल के जड़ भरत वापस डोली को लेकर चलने लगा, आगे मुड़ के उसने 1, 2, 3 स्टेज कर दिया, देखा आपको, किसको देखा, फर्स्ट 3 स्टेज हो गए, फीलिंग्स और वैल्यूज और रिक्वेस्ट तीनों कर दिया उसने, साइलेंस तक ले आया, लाया ना, वैल्यूज क्लियर किया, मैंने तो चला ही नहीं, तुम क्या सुधारोगे, है ना हाँ, और अपना फीलिंग भी नहीं बोल के भी उसने कुछ वर्ड्स डाल दिए, इन बिटवीन वर्ड्स उसके थे फीलिंग्स, वो बहुत सेंसिटिव राजा है ना, बहुत पकड़ लेता है, उतना ही में पकड़ लिया वो कि इसको बड़ा खराब लगा, ठीक है ना, ठीक है, वो पकड़ लिया कि इसको खराब लगा, वो पकड़ लिया इसको फीलिंग आई है, क्योंकि वैल्यूज उसने बताया ना, तो उसने पकड़ लिया, और उसके बाद जब साइलेंट होकर जब चलने लगा ना, तो कुछ सेकंड के अंदर रघु उनको चमक गया, टिंग ये गलत हो गया, ये तो बड़ा साधु है, सोचा, एनालाइज किया इसने, सोचने में इसको भी कुछ समय लगा, एक आध मिनट टाइम लगा उसको सोच के, जितना टाइम लगा, जैसे उसको समझ में आया कि मैंने बड़ा गलती किया है, उसको हुआ गिल्ट, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू करता था कि साधु लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, डोली उठाने वाला काम साधु का तो नहीं है, वो कूदा अपने डोली से, पालकी से कूद गया, कूद के जब कूदा सब लोग रुक गए, बाकी जो थे सब रुक गए, बोले ये क्या हो गया, और इसके पैर पे सीधा गिर गया, बाकी लोग तुरंत डोली साइड कर दी, बोले ये क्या, ये पागला कोई राजा दंडक मार रहा है, राजा बोला नाहम विसंके सुरराज वज्रान यमस्य दंडात्रयक्षसूलान, है ना, संके भृशं ब्रह्म कुले अवमानात नाहम विसंके सुरराज वज्रान, मैं क्षत्रिय पैदा हुआ हूं, इंद्र के वज्र से भी डरूंगा नहीं, सच के लिए मर जाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा कभी, सर कटा दूंगा लेकिन सच के लिए लड़ूंगा, यह मेरा खून वही है, तो इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं लगता है। क्या बोल रहा है राजा, स्टेज वन, क्या स्टेज वन, फीलिंग, अपने फीलिंग को बता रहा है ना, अपने वैल्यू, स्टेज टू अपने वैल्यूज को बता रहा है कि मुझे डर नहीं है, डर क्या एक फीलिंग है ना, ठीक है, नाम ऋषंके सुरराज वज्रान यमस्य दंड, यम के दंड से डरता नहीं, ये नहीं कि आज के जमाने का आदमी उसको पता नहीं कि वो यमराज है कि नहीं, वैसा आदमी नहीं, उसको पता है यमराज है, पावर क्या है वो पता है, त्रयक्ष मतलब तीन आंख वाले, उनका त्रिशूल से भी डरता नहीं, कौन, शिव जी के त्रिशूल से मैं डरता नहीं, ठीक है, ना चंद्र अर्क वित्त पास्त्रा, ना चंद्रमा से डरता हूँ, ना सूर्य से डरता हूँ, ना कुबेर के हथियार से डरता हूँ, बड़े खतरनाक हैं इनके हथियार, संके भृशम ब्रह्म कुल अवमानत, आपके जैसे शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों से
मैं बड़ा डरता हूँ कि इनका मैं कहीं अपराध ना कर दूँ। फीलिंग्स एंड वैल्यूज क्लियर किया कि नहीं किया? किया ना। फिर उसने एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है, नमो शिशुभ्यो नमो अवतुभ्यो नमो अवधूत लिंगो, ऐसे एक श्लोक है, मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके जैसे बच्चे के रूप में जो महात्मा लोग घूम रहे हैं उनके बदले हम माफ़ी मांग रहे हैं, जब सारे राजाओं के नाम से हम माफ़ी मांग रहे हैं, खाली हमारा नहीं, कोई कितने कितने कब कब अपराध किया राजा लोगों ने, कोई लिस्ट थोड़ी होगा, आपके से पागल घूम रहे उनको प्रणाम करता हूँ, वो लोग अपराध माफ़ करें, अलग अलग रूपों में जो साधु लोग घूम रहे हैं सबके, सब राजाओं की तरफ से ऐसे सब साधुओं को मैं माफ़ी मांगता हूँ सबके बिहाव पे, ठीक है। ये क्या है? स्टेज फोर। क्या स्टेज फोर? रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट किया राजा ने? माफ़ कर दीजिए, ठीक है। जड़ भरत ने माफ़ तो किया और बोला मूर्ख, अब वो तो खैर गुरु शिष्य का रिलेशन चालू हो गया, ठीक है, तो गुरु बोलेंगे मूर्ख, अब गुरु का अधिकार है, उसको ज्ञान दिए, उसको समझ में नहीं आया, फिर उसका तात्पर्य दिए तब उसको समझ में आया, और हम लोग को उसका भी तात्पर्य लगता है प्रभुपाद जी का, तब समझ में आता है। अध्याय 13-14 स्कंद 5, ये जड़ भरत के उपदेश हैं, बहुत पावरफुल उपदेश हैं, पढ़ लीजिएगा, दुनिया का सच्चाई दिख जाएगा आपको। चैप्टर 13 और 14, ठीक है, ठीक है, 10-5, ठीक है। तो ये पूरे भागवत में इसको बार बार प्रैक्टिस कराया गया है। एक और एग्जांपल दे दें, चित्रकेतु बहुत सारे स्त्रियों के साथ भजन गाता हुआ हवा से हवाई जहाज से जा रहा था, हरे कृष्ण। कुछ भक्त जो पूरे शुद्ध नहीं हो पाते हैं, है ना, या 99.99% तक आ जाते हैं, तो यहीं के बीच में देवलोक इत्यादि में जन्म ले लेते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ भी भक्त होती हैं, तो वो लोग भजन गाते रहते हैं बैठ के, साथ में घूमते रहते हैं, इट्स गुड टाइम। बैकुंठ नहीं पहुँचे लेकिन कॉन्सोलेशन प्राइज में सब मिलता है। तो घूम रहा था और उन घाटियों से घूमने लगा जहाँ पे शिव पार्वती बैठ के प्रवचन कर रहे थे, सुनने वाले थे बड़े बड़े वैरागी, अध्याय था वैराग्य, वैरागी को कैसे जीना चाहिए, वैरागी को स्त्रियों के आँख में आँख नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कपड़ा सादा पहनना चाहिए, ये सब बोल रहे होंगे शिव जी। सुनने वाले थे कपिल मुनि, सबसे बड़े ब्रह्मचारी, देवहूति पुत्र कपिल, नारद मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जी के चार सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार ब्रह्मचारी पुत्र, वो भी लेक्चर सुनने बैठे हुए थे, और बहुत सारे महात्मा लोग जो बाकी ये लोग बैठ गए तो पीछे कौन बैठे उसका तो लिस्ट मत पूछिए। और शिव जी अपने गोद में पार्वती को बैठाए हुए थे, हाथ ऐसे रखे थे, प्रवचन दे रहे थे कि वैरागी को कैसे जीना चाहिए, लड़की के आँख में आँख नहीं डालना है, सब लोग नोट्स निकाल रहे हैं। चित्रकेतु देखा वहां से दिया कि भोले बाबा ये काम कर सकते हैं, मतलब दूसरा कोई ऐसा करे तो कोई सुनेगा जी, हैं, ऐसा कोई दूसरा अपनी औरत को ऐसे लेगा, ऐसा बैठा के बोलेगा कि बैरागी हो, तो कोई सुनने वाला कोई बैठेगा थोड़ी वहां पे, बैरागी लोग तो नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो उसको लगा कि भोले बाबा इतने महान है कि भोले बाबा ऐसा बोले हैं, लोग सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको हंसी आया। पार्वती को लगा कि हम पे हंस रहा है, पार्वती ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, हम पे हंस रहा है, प्रभु पे हंस रहा है, असुर बन जा, श्राप दे दिया। चित्रकेतु उतरा, बोला प्रतिगृहणामि ते शापम बद्धांजलि के अंबिके, आपका श्राप हमको हाथ जोड़ के स्वीकार है, ऐसा हम हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहे हैं। आपको अगर कुछ खराब लगा, स्टेज वन, क्या स्टेज वन, आपको अगर खराब लगा, ठीक है ना, तो हम आपको खराब नहीं करना चाहते थे, हम जानते हैं शिव जी कितने महान हैं, हम ये कह रहे थे कि शिव ही ऐसा करेंगे तो लोग सुनेंगे। स्टेज टू क्या था? वैल्यू क्लियर किया, ठीक है। स्टेज थ्री, स्टेज फोर, एक्सेप्टेंस, रिक्वेस्ट कि आप जो बोल रहे हैं हमको स्वीकार है। शिव जी बोले पार्वती को, वो तो हो गया, सब लोग उसको देखने लगे। शिव जी बोले पार्वती तुमसे सुंदर तो कोई नहीं है, तुम्हारा नाम है गौरी, लेकिन तुमको कोई नहीं देख रहा, सब उसको देख रहे हैं, अब पति हैं तो इतना बोल सकते हैं मजाक। बोले ये जो उसने हाथ जोड़ लिया ना, तुम्हारे पावर को फेल कर दिया, इसने तुम्हारे पावर को ही फेल कर दिया हाथ जोड़ के। फिर बोलते हैं
नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण को जो भक्त होते हैं ना देवी, उनको तुम असुर बना दो, उनको तुम देवता इंद्र बना दो, क्योंकि देवी तो ऐसा चुटकी बजाएगी तो इंद्र बन जाएगा, ब्रह्मा बना देगी। ठीक है, जितने देवी देवता हैं ये सब दुर्गा जी के यहाँ झाड़ू लगाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो किसको क्या पोस्ट देना है, उनके बाएं हाथ का चुटकी भी बजा दिया तो दुर्गा जी के लिए मतलब इनका तो तर गया, इनका तो मतलब लॉटरी लग गई इनकी, समझे। इंद्र को बोल देगी तू अगला इंद्र भी तू ही रहेगा तो बन जाएगा अगला, और 71 चतुर्युग तक देवी इंद्र एक्सटेंड हो गया, वो तो नाचेगा उठ के, समझ रहे ना। तो शिव जी बोलते हैं, देवों के देव महादेव बोलते हैं कि तुमने इसको श्राप दिया, लेकिन इसको फर्क क्या पड़ा, ये तो नारायण का भक्त है, तुम इसको असुर बनाओ, तुम इसको देवता बना दो, तुम इसको मोक्ष दे दो, वो हर जगह जाके एक ही चीज़ करेगा, माला उठाएगा, बोलेगा मॉर्निंग प्रोग्राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका काम तो वही करना है हर जगह, तुम इसको कुछ फर्क तो कर नहीं पा रही हो। ठीक है, तो फिर शिव जी कह रहे हैं कि हम भी कृष्ण के भक्त हैं, वो भी कृष्ण का भक्त है, तो हम लोग को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम कैसे स्थिति में डाल दो। ठीक है, पत्नी को बोल रहे हैं, भौतिक जगत में हमारे लिए कोई स्थिति एक ही है, तो जो सपार्वती है वो जो है थोड़ी शर्मा गई कि भाई बड़ा गलत की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक भक्त को उसने ऐसा श्राप दे दिया, भक्त ने अपना पावर ऐसा नहीं दिखाया ऐसा दिखा दिया, ये तो और मतलब गजब हो गया। तो चारों स्टेज हुआ ना, फीलिंग वैल्यूज साइलेंस रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं, और भी ढेर सारे जगह हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ऑल ऑफ यू फेल्ट बेनिफिटेड बाय दिस वंडरफुल लेसन विच यू आर लर्निंग। फॉर दिस लेसन्स व्हेन वी डू इट इन कंपनी दे विल पे लैक्स। जो आपको लेसन मिल रहा है इसको कॉर्पोरेट में भी जा रहा हूँ मेघालय में कॉर्पोरेट सेमिनार करने में परसों, तो फ्लाइट से बुलाते और वो लोग उसके लाखों रुपया दे सकते, हम लोग लेते नहीं, बट दिस टेक्निक्स आर वेरी डिफिकल्ट, दिस कैन मेक योर रिलेशनशिप वेरी स्पेशल। ये सब जानते नहीं तो लोग झमेला करते रहते, समझते नहीं पत्नी का फीलिंग, समझते नहीं है किसी का फीलिंग, और झमेला में खुद भी रहते और दूसरों को भी झमेले में डालते, और जहाँ स्वर्ग बन सकता वहाँ क्या बना के रखते हैं, नर्क बना के। सच बता रहा हूँ, स्वर्ग को क्या बना के रखते हैं, नर्क। मानते हो कि नहीं? आर यू फीलिंग हैप्पी बिकॉज ही इज गिविंग वैल्यूज, है ना, देखो। तो इट्स वेरी स्पेशल। मैं जस्ट एक बार अपनी कॉलेज की एक स्टूडेंट था, तो उसकी बहन की शादी हुई मुंबई में, कहाँ शादी हुई, एंड द फैमिली हैड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, उनका टू व्हीलर भी था फोर व्हीलर भी था, तो फोर व्हीलर मतलब गरीब तो नहीं थे, अमीर नहीं बोले जो भी, लेकिन गरीब तो गरीब के पास फोर व्हीलर तो नहीं रहता, तो फोर व्हीलर उनके पास था, क्या था उनके पास, फोर व्हीलर था। We will take some questions also. Huh? आप आएंगे तो क्वेश्चन। We want Prabhu to come back. Yes, some urgent meetings. Huh? So then we will take questions also. कितने लोग तो आ जाए वापस, तो उनका था urgent कुछ कॉल से, बोले हरी बो। तो I'll just tell you one small story. तो इस लड़की का ब्याह कहाँ हुआ, मुंबई में, अच्छे पैसे थे, तो वो लोग दो भाई थे, पति लोग कितने भाई थे। मैं आपको बहुत भविष्य भूतकाल की स्टोरीज नहीं सुना रहा हूँ, भागवत से या महाभारत से, सुना सकता हूँ लाखों, मैं आपको प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूँ 3 साल पहले की, सुनना चाहते तो बोलिए हरी बो। ये प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूँ, देखिए वो बच्ची का पति बहुत अच्छा था, पति बहुत, मैं मिला भी उससे, अच्छा पति था सब कुछ, उसी के लिए दिन भर वो क्या कर रहा है बेचारा, जाए कमा रहा है, किसके लिए, पत्नी के। दो भाई हैं, तो ये बड़ी बहू है, ये भी 22 साल की थी, छोटी थी, और उसकी छोटी बहन देवरानी आ गई, क्या आ गई, देवरानी आ गई, जेठानी देवरानी, समझ रहे ना। अब समाओ ये लोग का जम नहीं रहा था, अब किस लिए नहीं जम रहा था ये मेरे को डिटेल्स नहीं पता है, तो ये अपना कुकिंग करती थी, अपना ये अपना पति का अलग कुकिंग करेगी, अपना पति का एक ही किचन में ये अपना अलग बनाएगी, और ये देवरानी जेठानी में उतना। एक दिन क्या हुआ,
हमारे जो ये व्यक्ति थे 9 बजे आ जाते थे और गरम गरम खिलाती थी अपने पति को। समाओ उस दिन क्या हुआ, बेचारे आए, वो बना के रखे, सोचे मैं अपने हाथ से परोसूंगी, लेकिन उनको थोड़ा काम में लेट हो गया, 9 की जगह 10:30 बज गया, तो बिस्तर पे बेचारे लेटी भी तो उसको नींद आ गई। क्या हो गई, सोचे जाएंगे तो उठ जाऊंगी सब कर, लेकिन वो जब आया सोचे कि बेचारी दिन भर से खटती है, तो सोचे कि वाई टू डिस्टर्ब, वाई टू, तो खुद से जाके वो किचन में अपने से खाना लेके खा ली। अच्छा की बुरा की, कि पत्नी बेचारी सोई भी है, क्यों उसको डिस्टर्ब करे, बेचारी दिन भर खटती है, तो सो गई तो उस पर चादर उड़ा के वो बेचारे खुद ही खा लिए। अच्छा की बुरा की, कितने लोगों को लगता है अच्छा की, बोले हरी वो, यस अच्छा किया है बेचारा। सुबह पत्नी उठती है, सुबह कौन उठती है बच्ची, उठती और इतना गुस्सा हो जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है, बोलती मैं घर छोड़ के जा रही हूं, मैं घर छोड़ के, तो क्या हो क्या गया, वाई सी वॉज सो एंग्री, क्यों इतना एंग्री हो गई वो, हाँ सर्व नहीं, वो तो वो कारण नहीं था कि वो सेवा नहीं कर पाई, उसका क्या इशू था, कि उसने खाना बना के रखा था, सर्व नहीं कर पाए वो भी दुख होगा, बेचारी को सर्व करना चाहती थी नहीं मिल, लेकिन उसका ज्यादा दुख था कि उसकी देवरानी बना के रखी थी, समझ रहे, ये बेचारा किचन में कभी घुसता नहीं था, तो गलती से इसने क्या किया, गलती से इसने बेचारी देवरानी का खा लिया। आप सुबह उठ हुई महाभारत, तुम जान पूछ के उसका खाया, मेरा पसंद नहीं है ना, मैं जा रही हूं माइक, बिलीव मी, वो नीचे उतर गए, झगड़ा चल रहा है उसका भाई, मेरे को फोन कर पोजी क्या कर, उसका जिया जी का फोन आ रहा है इसका भाई को, मेरे को फोन कर रहा, मैं उस समय एक आती थी वो 64 वाला जब कर रहा था मैं तो, एंड लिटरली वो एकदम, अब बताइए क्या उसने क्या किया, बेचारा गलती से खा लिया तो क्या हो गया उसका, कोई बहुत बड़ी गलती की क्या भाई, जान बुझ के नहीं खाया, लेकिन उसने क्या बोला, तुमने क्या किया, पाप किया, क्या किया, नहीं महापाप, पाप ने क्या कर दिया बेचारे ने, बोला अब तो हम माइके ही जाएंगे, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करे वो कहां गई, ट्रू स्टोरी बता रहा हूं, कहां गई वो अपने माइके। फिर उसको समझाया गया, भाई इतनी छोटी बातों के लिए क्या है, ठीक है पति बेचारा रिक्वेस्ट कर आ जाओ, छोटा बच्चा है 4-3 साल का भाई, बोला प्लीज आ जाओ, जो भी गलती हुई भाई मैं ऐसे नहीं किया, लेकिन फिर भी चलो मांग लेता हूं, लड़की पिघल नहीं, नहीं मैं घर पे ही रहूंगी, मैं अपने बच्चे को पालूंगी पोसूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसको 3 बार समझाया हमने, भाई देखो ये तुम्हारे लिए उचित, उसके पेरेंट्स मेरे भक्त है, तो हमने समझाया, लेकिन बोले नहीं मैं पढ़ी लिखी थी, बोले मैं जॉब कर लूंगी, मैं बच्चों पर, मैं उधर नहीं जाऊंगी। अच्छा करिए खराब करिए, पति रिक्वेस्ट कर रहा है आ जाओ, ससुराल वाले रिक्वेस्ट कर रहे नहीं, माँ बाप भी चली जा बेटी, नहीं मैं नहीं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे साधु के, बेटी चली जाओ, नहीं तो तेरा कल हरी बोल होने वाला है। समझाया उसको, लेकिन बहुत बार जब आप नहीं सुनना चाहे तो फिर क्या करें, जान निकाल देते। समझाया देखो फ्यूचर में अच्छा नहीं होगा, अभी तुमको अच्छा लग रहा है, बाद में तुम्हारे को पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं, समझाया देखो आज पेरेंट नहीं है, एक साल एक महीना को अच्छे बहू बेटी घर में आए, बहू जैसे ही ठीक है, मतलब आइए कुछ दिन फिर चले जाइए, परमानेंटली रहेगी तो देखो यहाँ पर भी तेरे को माँ बाप कितना दिन रखेगा रे, चार तो माँ बाप को क्वेश्चन करेगा पूरा क्या होगा आपके बेटी को घर पर, बदनामी होती ना रे, नहीं एक दो दिन आती तो बहुत वेलकम मिलता है, साल भर रहेगी तो गाली मिलेगा, कितना दिन क्यों, तो समझाया लेकिन उसको इतना ईगो था समझ नहीं रहे थे। बोले ठीक है जो करना करो, हम लोग का साका में बताना, साधु कैन ओनली टेल, करना नहीं करना हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो करना चाहिए थे लेकिन नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ, अब देखो 2-3-4 महीने बाद वो, शुरू में 1 महीना चलेगा, 6 महीने बाद अब माता, अब घर में रोज रहोगे तब
कुछ हो जाएगा, मान लो कुछ कुकिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया तो माचिस ला दिया, मतलब हो जाता है ना भाई। तो अब मम्मी कुछ बोल दी, पापा कुछ बोल दी, अब पति का तो शेल्टर है नहीं, अब वुमेन को शेल्टर चाहिए, नहीं मिल रहा है। अब पापा कुछ बोल दिए तो बुरा उखड़ गए, ऐसा कैसे बोल दिया, आप मेरे को पसंद नहीं है क्या? ऑलरेडी उनको बर्डन फील हो रहा कि 6 महीने से जा नहीं रही, तो अभी थोड़ा चिढ़ा के बोल दिए, तो अब उसको और खराब लगे, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं दुनिया में, पति भी नहीं है, ये भी। अब उसको किसका फील नीड होने लगा? जब माँ बाप भी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करने लगे तो किसका फील नीड होने लगा? अब आसपास के लोग पूछने लगे, क्या हो गया आपकी बेटी को, 6 महीने से इधर है? अब उसके भी कान में इनडायरेक्टली आने लगा, कुछ लफड़ा चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या? अब किसका कैरेक्टर खराब है पता नहीं, लड़की का है, लड़का लड़का निकाल दिया कि क्या हुआ, अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन र्यूमर, अब र्यूमर फैलने लगी शायद लड़की ठीक नहीं है, मतलब। अब जब इसका बदनामी होने लगा तो इसका कलेजा बाहर, 6 महीना पहले समझाया था लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। अब जब आया ना उसका सिचुएशन तो पूरा, अब क्या हुआ, पति गुस्सा आ गया, अब स्वभाव क्या हो गया, एक साल ऐसा, एक साल डेढ़ साल बीत गया, 3-4 बार समझाया लेकिन उसका ईगो, अब पति गुस्सा आ गया, स्वभाव कुछ हो गया कुछ कारण, अब वो जाना चाहे तो पति एक्सेप्ट नहीं, अब बड़ा लफड़ा, बड़ा गाली गलौज। अब स्वभाव अपने भगवान से प्रार्थना किए तो स्वभाव फिर अभी अभी ठीक चल रहा है, मतलब स्वभाव चल रहा है। मुंबई गई तो हम लोग बहुत प्रार्थना की, वाह भगवान धन्यवाद, मतलब समझ रहे हैं। तो पॉइंट इज, क्या प्रॉब्लम हो गया इधर, क्या उसका लड़की का लड़का अच्छा नहीं था? हाँ, किसने खराब किया सिचुएशन, किसने खराब किया सिचुएशन? लड़की दीजिए, अच्छे से अच्छे घर में पैसा है, पति अच्छा, फिर भी झूठ मूठ का बात का बतंगड़ बना के छोटे से चीज को, क्या बोलते उसको, रुई का पहाड़, राई का पहाड़ बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं समाज में आज लोगों को इमोशन से डील करना आता आता है, इंजीनियर बनने से नहीं होता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया को मुट्ठी में करते हैं और खुद इमोशंस की मिट्टी में रहते, कोई कुछ बोल दिया। सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स, इजंट इट, इज इट नॉट, स्माइलिंग फेसेस बट अचीवमेंट्स कर लिए, ये कर लिए, इंजीनियर हो गया, 8 लाख का पैकेज लग गया, ये लग गया, वो लग गया, बट इमोशंस को हैंडल करना, कितने ही पैकेज लगे, मेरे मोटरोला में लगे 22 लाख की पैकेज, अरे वाह वेरी नाइस कांग्रेचुलेशन, और राजीव तेरी कितने की लगी, मेरी 78 लाख की लगी, ओके कांग्रेचुलेशन, बेटा 78 लाख की लगी, मोड़ चढ़ता तो मोड़ चढ़ा था, नींद नहीं आता चुन्नू को, बेटा 78 लाख लग रहा है बेटा, उसका बाजा बजते रहता है। डू यू थिंक ही सक्सेसफुल? मैं तो उसको बोलूंगा 22 लाख का पैकेज लगाओ भिखारी, इमोशनली बैंकरप्ट है, उसे बढ़िया तो मुटिया लोग होता है 200 रुपया कमाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं प्रीचिंग करता हूँ गाँव वालों को, तो मैनी ऑफ देम, एक 80 के दिन एक आदमी मेरे लिए डाब लिखा है, ही इज अ लेबर, 200 रुपया 300 रुपया मिलता है दिन का, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, नहीं पूछ लीजिए आपका 81 डाब आपके लिए लिखा है, बोले आप कमाते नहीं, डाब नहीं पूछे, साधु का सेवा करना है, बोले यार, बोला कभी कभी जॉब भी नहीं मिलता उसको, और पूरा खुश सेवा करता है, कोई भय नहीं बेटा, पत्नी है बच्चे हैं, एकदम खुश से रहता है, कितना कमा के 200-300 रुपया में दिन का, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, फिर भी खुश, फिर भी देने का भाव। मैं बोलता हूँ ये आदमी रिच है, आता है कभी कभी मेरे से मिल ले, माला भी करता है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन आई विल कंसिडर 22 लाख के पैकेज से ये 2200 रुपया कमाने में ज़्यादा अच्छा। मैं तो उसी को रिच मानता हूँ, मैं 22 लाख वाले को नहीं मानता। आप लोग किसको मानते हैं रिच, 22 लाख पैकेज वाले को? हाँ, ये बेचारा 200-300 कमा के खुश है, पत्नी उसकी कितनी अच्छी है, बच्चे कितने अच्छे, दे आर सो हैप्पी फैमिली, कोई कमी नहीं है, खुद का खेत है, उगाते खाते, कोई टेंशन, बढ़िया दूध पीते, गांव में रहते, समझ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, देखो चेहरे में स्माइल है,
अरे 22 लाख उसको कैसे मेरे से ज्यादा हो गया। अरे तुम बेटा चिल्लड़ रह गया, कह रह गया, अरे तेरा जीवन बर्बाद है, पानी ले एक बकट डूब के मर जा, क्या फायदा तेरे जीवन का, व्हाट इज द यूज, यूजलेस। इसलिए बट मॉडर्न एडुकेशन इज लाइक स्लॉटर हाउस, इट्स ओनली गिविंग यू वन साइड, दैट्स वाई पीपल आर फीलिंग डिफीटेड, दैट्स वाई सुसाइड्स आर हैपनिंग, बिकॉज नॉलेज ऐसा तो उठा लिया ईगो अपना, लेकिन इमोशन कुछ है ही नहीं। हाँ कि ना, क्या मैं कुछ उल्टी उल्टी बातें बोल रहा हूँ क्या? हाँ, सो टुडे वी हैव गॉट वेरी स्पेशल प्रिविलेज ऑफ हियरिंग फ्रॉम डॉक्टर केशवानंद अबाउट द ह्यूमन इमोशंस। वॉज इट हेल्पफुल? हाँ, सो इफ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस यू कैन प्रोवाइड यू आंसर। किसी कुछ प्रश्न है एक दो तो पूछ सकते हैं। यस, जीसु, आप जैसे वो बोले जो चार स्टेप्स, जैसे वैसा मुझे बहुत डीप नॉलेज लगा, ऐसा मतलब हमारे अंदर नहीं है, लेकिन आप ऐसा कैसे, कहाँ से सीखे, ऐसे कैसे सीखे वो, और हम ऐसे कैसे बन पाए आपके जैसा, मुझे ऐसा बहुत डीप नॉलेज लगा, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे करके किसी के फीलिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। I am feeling threatened. कितने लोगों का क्वेश्चन समझ में आया? जीसु का उसका क्वेश्चन था कि प्रभु जी आप जो ज्ञान दे, बड़ा अद्भुत ज्ञान था, मैं कैसे सीखूं और आप कहाँ से सीखे? प्रभु जी बोल रहे मुझे डर लग रहा है। मुझे डर इसलिए लग रहा है कि मैं दूसरे के फ्री विल को वैल्यू करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, फ्रीडम को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ और किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं बस उसको पहचानने में मदद करता हूँ, सामने वाले को ही पहचानने में, मैं उसी को पहचानने में मदद करता हूँ, ठीक है। और जो पहचान लेता है अपने आप को, तब जो है वो बड़ा पीसफुल हो जाता है और कुछ डिसीजंस ढंग के ले सकता है, क्योंकि अभी तक वो कन्फ्यूज रहता नहीं तो, ठीक। एक समय था, एक दौर था जब मैं भी ऐसे बड़े सारे प्रश्नों से गुजर रहा था, तो एक सुखावा माता जी हैं, प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है कंपैशनेट कम्युनिकेशन, वो बुक पढ़ा मैं, और उसके बाद मैंने उसको देखा कि मिल गया मेरे को, कॉपी भी बहुत कमी छपी थी, कुछ ही कॉपी छपी थी, मेरे शायद लास्ट ही था लेने वाला, लास्ट कॉपी मेरे पास थी वो। पढ़ा मैं, पढ़ने के बाद पूरे किताब को मैं 5-6 बार पढ़ा, उसके बाद मुझे समझा कि यार ये तो टोटल बात जो पूरे किताब में कह रही है तीन ही चीज़ कह रही है, बार बार घुमा फिरा के इसी बात तक लाके आ रही है। तो फिर मेरे को प्रेरणा कि मैं ये किताब लिखता हूँ जिसमें ये सारी बातें 2 या 3 पेज में आ जाएंगी जो ये पूरे एक किताब में कह रही है। फिर मेरे को लगा कि उसमें ऐसे ऐसे बाकी चीज़ें भी जोड़ देता हूँ, तो ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने का उन्होंने बुक निकाला था, तो उसको मैंने 2-3 पेज में डाल दिया अपनी बुक में, इसको समराइज करके। फिर एक पावर ऑफ हैबिट्स करके चार्ल्स डगलस ऐसा कोई बुक है, उसको पढ़ा, इतना मोटा किताब था, बोले इसमें तो बात कर ही रहा है वो, बस दो एगो बतिया बोल रहा है पूरा किताब में। तो पावर ऑफ हैबिट्स करके एक टॉपिक डाल दिया, उसको भी जो 2-3 पेज में डाल दिया। फिर टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे, ईट द फ्रॉग करके एक बुक है फेमस टाइम मैनेजमेंट, ऐसे 4-5 बुक पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये लोग मोटा मोटी 2-3 चीज़ बातों को सारे बुक वाले एक ही चीज़ बात बोल रहे हैं, ठीक है। उसका गीता से और भागवतम से एक श्लोक है, न तथा विन्दते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम, वहाँ से निकाल के उसको कनेक्ट करके उसमें डाल दिया। ऐसे करके 12 टॉपिक जो है उसके ऊपर मैंने वो बनाया और बुक करके उसको निकाल दिया। 6 महीना उसमें जी तोड़ मेहनत किया, एक बुक फॉर्म करके उसको निकाल दिया। तो ऐसे समझ लो करीब 300 बुक स्टडी करके वो एक बुक लिखा मैं, जिसमें 12 टॉपिक को कंसाइजली डाला है। 12 सूत्रज ऑन लीडरशिप अमेजोन पर है, मस्त। मैं बोलूँगा एकदम मस्त किताब है, पढ़ोगे ना आपको मतलब इतना सारा पढ़ने का जरूरत नहीं, स्टेज वाइज में, और बहुत पिक्टोरियल है, लिखा बहुत कम है, पिक्चर्स बहुत बना रखे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मुझे कहना था 3 ही बात, लेकिन अगर मैं 1 पेज में 12 सूत्र लिख दूंगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, बोले कोई किताब ही नहीं है, कोई मजाक की है लोगों के साथ, इसलिए किताब का फॉर्म तो देना था ना, तो इसलिए पिक्चर बना के रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए मैंने सारे, जो मेरे साथ लोगों के साथ जो घटे हैं, और नाम मैंने बदल के, लेकिन मैंने जो है वहाँ पे
वो एग्जांपल जल्दी, सिचुएशन सही है, नाम चेंज है, ऐसे करके मैंने वो बुक लिखा है। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। अच्छा, तो ये समझा कि बुक्स पढ़ना चाहिए। और एक और चीज़, वो मैनिपुलेट गलत वर्ड यूज़ कर दिया था, उसको होना चाहिए था कि असलियत दिखा दिया आपने उसको। मैंने रिक्वेस्ट किया था बिना वर्ड डाले, आ गया ना आंसर। उसने चेंज किया ना अपना बिहेवियर, बिहेवियर चेंजेस दिख रहा है ना, विदाउट बोले हुआ कि नहीं हुआ। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। भागवत में बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके, जो भागवत के जो परमहंसों के अगर आप बातों को सुनेंगे ना, आपको उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखेंगे भागवत में। इसके भागवत पढ़ते समय आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखेंगे, लेकिन आप वो मिस कर जाओगे उस चीज़ को पढ़ते समय, क्योंकि आपको वो, अब अगर आपने ये सीख लिया ना, अब आप जहाँ भी पढ़ोगे ना तो आपको वो दिखेगा, ये तो यही कर रहा है, ये तो यही हो रहा है, ये भी यही कर रहा है, ये आपको चीज़ होते हुए दिखेगी, लोग कर वही रहा है उस चीज़ को। नहीं तो आप पढ़ लोगे, आपको स्टोरी अच्छा लगेगा। बहुत सारा भागवत कथा सुनने के बाद लोगों में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसको निकाल के देना पड़ता है, कैसे अप्लाई कैसे करना है इसको, है ना। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस? पूछिए, क्वेश्चन पूछना है। भजन, हाँ प्रश्न पीछे मैं। जैसे बुक रीडिंग तो एक अच्छा हैबिट है, तो जैसे स्पिरिचुअल बुक्स भी है, और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक है और कोर्स का बुक है, तो ये इतना बुक पढ़ेगा तो वही कैसे मैनेज करें? इतना बुक ना पढ़ो, कॉलेज वाला बुक पढ़ो, आध्यात्मिक बुक पढ़ो। अगर मार्केट का बुक पढ़ना है तो मेरा एक ही बुक पढ़ लो बस, बहुत कम टाइम में खत्म, इतना सब पतला बुक है, ठीक है। और उसको पढ़ने में आपको लगेगा, टोटल पढ़ने में लगेगा 2 दिन में आप पूरा ख़त्म कर दोगे, पढ़ के समझ के पढ़ के ख़त्म कर दोगे 2 दिन। ज़्यादा लिखा ही नहीं, इतना प्रिसाइज फालतू बात मैंने कुछ लिखा ही नहीं। जिसको फालतू बात पढ़ने का शौक है, बहुत मोटा मोटा किताब लोग लिखा है, किताब का दाम बढ़ाने के लिए, बुक का सेल बढ़ाने के लिए लोग लिखा है, हमको उससे मतलब ही नहीं था। हमको कोई सिंसियर सीकर है जिसको कम में चीज़ मिल जाए, वो खोज रहा है, मैंने उसके लिए बुक लिखा हो, ठीक है। आई विश्ट मेरे हार्ड कॉपी में लेके आता है आपके पास, अभी नहीं मेरे पास यहाँ पर। पवन जी करवा रहे हैं उसका ट्रांसलेट, करवाइए जरा जल्दी, है ना। इंग्लिश में है और मराठी में, अभी हिंदी में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश बहुत सिंपल है, ठीक है। एनीवे, है ना, तो आप पढ़िए। अगर आपको सच में एक बुक पढ़ना है ना, तो आप ये पढ़िए, गीता प्रेस का भागवत आता है, ठीक है ना, गीता प्रेस का भागवत आता है, और उस भागवत में स्टोरी लाइन आपको जो है ग्रिप में आएगा भागवत का। उसमें आप कुछ कुछ सेक्शंस पढ़िए, ध्रुव महाराज का स्टोरी पढ़िए, ठीक है, और प्रहलाद महाराज का स्टोरी पढ़िए, ठीक है ना, ये 2 स्टोरी पढ़िए वहाँ से, ठीक है ना। वो कहानी के जैसा पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको उसमें समझ में आएगा कि कैसे बात कैसे कर रहे लोग। जैसे कि हिरण्यकश्यप कहता है, तुम कुछ अच्छा क्या सीखा बताओ, ठीक है। प्रहलाद उसके गोद में बैठ के बोलते हैं, अच्छा, वनम गतोपि यद हरिम आश्रयत, क्या है, हित्वा तपाकम गृह मंद कूपम, कैसे शुरू होता है, वनम गतोपि यद हरिम आश्रयत तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम, कह रहे कि हे असुरों में श्रेष्ठ, पिताजी को कह रहा है गोद में बैठ के, हे असुरों में श्रेष्ठ, ओ बेस्ट ऑफ असुरास, ठीक है, जिंदगी में वो चीज़ सबसे अच्छी है करने के लिए कि आप वृंदावन जाके भजन करिए पिताजी, माला वाला उठा लीजिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि आप करिए, ये देखिए मैंने चेंज कर दिया टोन, उनका टोन ये नहीं है बोलने का, उनका टोन सुनिए, टोन बहुत फाइन लाइन है, उसको पकड़ना होगा, टोन में हमारे टोन उनके टोन में फ़र्क है, वो कुछ नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है तत् साधु मन्य, मैं मानता हूँ उस चीज़ को बढ़िया, मैं मानता हूँ, आपके लिए क्या है वो आप देख लीजिए, दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों लाइन में फ़र्क समझ में आ रहा है।
आप वृंदावन चले जाइए ये कहना, और मैं मानता हूँ कि वृंदावन जाना साधु के लिए अच्छा है, दोनों में बहुत फर्क है। आपने 1-2-3 कर दिया अगर आपने ऐसा बोला, और नहीं वैसा बोल दिया तो आप पहुँच दिए तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। लेकिन क्या ये करने से सब लोग बदल जाएंगे? कोई हिरन कसू नहीं बदला था, तो आप ये मत समझिए कि 100 में से 100 बदल जाएंगे, 100 में से 99 बदल जाएंगे ऐसा गारंटी है। लेकिन 100 जरूर मिलेगा जो नहीं बदलेगा, वो हिरन कस्बू एकाद रहेंगे इस समाज में जो नहीं बदलने वाले, आपके बढ़िया बात करने से भी नहीं, वो इतना पत्थर हो गया कि नहीं चेंज होगा। तद साधु मन्य सुरवरे देह नाम, क्या अगला, धियाम असत ग्रहात वनम गतोपि यद हरिम आश्रयत। वन में जाके अगर हरि का आश्रय ले लिया जाए ना तो बड़ा बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया मैं ये मानता हूँ। ठीक है, हिरन कस्बू गुस्सा हो गया, अरे क्या पगला, किसको कौन सिखा दिया इसको, ले जाओ फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ा लिखा के लाया, बोला अब पढ़ा दिया, अब पूछिए, बोला अब बताओ बेटा क्या है, क्या मानते हो बढ़िया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचनम वंदनम दास्यम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चय नौ लक्षणा क्रियते भगवती अद तद मन्य अधितम उत्तमम। मैं मानता हूँ, आईने के आप मान लीजिए, देखो लाइन में बहुत फर्क है इन दोनों पंक्तियों में, कि आप भक्ति करिए नहीं बोल रहे हैं, कई बार प्रवचनकर्ता भी ऐसे बोलते हैं, प्रहलाद कह रहे हैं कि आप भक्ति करिए नौ तरीका है, ये बात नहीं कह रहे हैं प्रहलाद वहाँ पे, आप फर्क समझ पे आ रहा है आपको, ये बात प्रहलाद नहीं कह रहे हैं कि आप भक्ति करिए, ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति नौ तरीके से होती है, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो भाई, कहने का तरीका मीठा बोलना है, यही तो ऑस्टेरिटी है कि मीठा भी बोलना है और सच भी बोलना है, सच भी बोल दिया मीठा भी बोला, बोला कि नहीं बोला, है ना, सच के साथ मीठा बोला ना, वो उसने कोंचा नहीं पकड़ के, हिरण्यकश्यप तू नलायक है, नलायक नहीं बोला, बोला असुरों में श्रेष्ठ, वो बेस्ट ऑफ असुरों में आप बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं, ये भी नहीं कह रहा है कि आपसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं है, ये भी नहीं बोला, वो चपलू सही भी नहीं कर रहा है, सच तो कह ही रहा है लेकिन मीठा सच कह रहा है, देख रहे हैं ना स्टाइल, मीठा सच कहने का स्टाइल देख रहे हैं कैसा कहा जा रहा है ना। हे असुरों में श्रेष्ठ तत् साधु मन्य असुर वरे देह नाम धियाम असत ग्रहात, क्या रे श्लोक याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है ठीक है, अब मैं इतना बोल दिया तो यहाँ से श्लोक निकल जाएगा दूसरा, नहीं ठीक है जरूरत नहीं है, है ना, समझ रहे, रिक्वेस्ट करने का स्टाइल देखिए, वैल्यू और फीलिंग्स जो है ना, अपने वैल्यू और फीलिंग को दूसरे पे थोपना नहीं है, ठीक है ना, थोपोगे तो काम नहीं चलेगा। और भी बहुत जगह हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, पूरा रात एग्जाम्पल से भर जाएगा, इतने सारे एग्जाम्पल हैं भागवत में, इसलिए आप लोग भागवत पढ़िए, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा जो गीता प्रेस का जो भागवत है ना, उसमें स्टोरी लाइन बहुत फास्ट कैच होता है, ठीक है, और उसके बाद वो जो स्टोरी, जो उसमें स्टोरी समझ में आ गया ना, फिर आप प्रभुपाद जी का भागवत पढ़िए, उसमें आपको पोर्ट्स में बहुत गहरे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इनके एक्चुअली में ये श्रीमद् भागवत और भगवद गीता अलग है, बहुत लोग भागवत मतलब भगवद गीता समझ रहे होंगे, जो आपको ये बुक मिली है ये श्रीमद् भगवद गीता है, क्या है इसमें 700 श्लोक हैं, ये कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे, है कि नहीं, ये भागवत नहीं है, श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 18,000 श्लोक सुनाए, उसमें प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज, ये कोड बुक है, तो इसमें खाली ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको एक्सप्लेन किया गया वहां पे बिहेवियर एग्जांपल्स के साथ, समझ में आ रहा ना, ये कोड्स है वो सॉल्ड एग्जांपल्स है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, फॉर्मूलाज है इसमें, ओके और उसमें क्या है सॉल्ड एग्जांपल, वो 18,000 श्लोक है, ये क्या है 700, तो इसको भी पढ़ना है, फॉर्मूला है इसमें, समझ रहे हैं, ये इस्कॉन की जो गीता है, और एक है भागवत जो 18,000 श्लोक है वो इस्कॉन की कार्टून है, तो उसको पढ़ने में हो सकता है आप भूल भुलैया में चले जाएं, इसलिए पहले गीता प्रेस वाली जो है वो एक इतनी मोटी बुक में पूरे 18,000 श्लोक है, इससे थोड़ी मोटी हो, लेकिन आप देख लीजिए पहले गीता भी पढ़नी है आपको, फिर गीता क्या है, प्रोजी का लेवल थोड़ा सा आप लोग से अच्छा उम्मीद है कि आप लोग गीता भी पढ़ सकते हैं, आप लोग भागवत भी पढ़ सकते हैं, भागवत भी पढ़ सकते हैं, आप लोग सब लोग भागवत पढ़ सकते हैं,
और भागवत में आप अभी इमीडिएटली जो है ना आप तीन स्टोरीज है पढ़ लीजिए, एक है ध्रुव और एक है प्रहलाद। ये दो स्टोरी में आपको इतने टर्न्स मिलेंगे ना और इतने सिचुएशन इतने गंभीर मिलेंगे, उस गंभीर सिचुएशन में सामने वाला कितना कूल हेड से बात कर रहा है वो आपको लेवल दिखेगा कि भाई इसका लेवल बहुत हाई है। ऐसे ऐसे टेंस सिचुएशन में इतना सच भी बोल दे रहा है और प्यार से भी बोल दे रहा है और कुछ कमी भी नहीं किया बोलने में। हम क्या हाइपर होके चढ़ा देते हैं किसी के ऊपर, जब हाइपर होते हैं ना तो चढ़ा देते हैं सामने वाले पे, चढ़ा नहीं रहा है किसी पे, पहुंच नहीं रहा है। इसको जिसको टेक्निकली कहते हैं जजमेंट करना, वो जजमेंट नहीं कर रहा है किसी को, ठीक है ना, नॉन जजमेंटल बोल रहा है, येट ट्रूथ बोल दे रहा है और येट स्वीट बोल रहा है और येट प्लीजिंग बोल रहा है और ये सारे जो क्राइटेरियाज को फुलफिल कर, नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, ठीक है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके बोल दे रहा है, ठीक है ना। ये बोलने का तपस्या है जो कि किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है ना, ये करुणा करके कुमार लीला प्रभु आप लोग को सिखा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये जो है ना कोई कॉलेज सिखाएगा जी सब नहीं ना। फिर हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न है? है ना, ठीक है, आई थिंक आई थिंक 8:30 बज गया है। हाँ, जिनको क्वेश्चन पूछना हो पर्सनली पूछ सकते हैं, अभी यहाँ पर प्रसाद होने वाली है। और सो ये सब जो गुड क्वालिटीज़ है जो हमने देखा, बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, भगवत में बहुत सारे ऐसे जेम्स है, ये भी एक भगवत जेम है। किसकी तपस्या? ये बोली की तपस्या। क्या पांच चीज़ बताए गए यहाँ पर? ट्रुथफुल बोलना चाहिए। तो पांच है क्या? मैंने ही नहीं सब पांच ही ना। ट्रुथफुल है सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम हितम, सत्य ही बोलना है, प्रिय भी बोलना है, हित भी। कभी कभी तब बैलेंस करना पड़ेगा, सत्य बोलोगे तो हित नहीं होगा, कभी कोई गलत समझ रहे हैं, तो अभी कोई चोर आ गया आपके घर में तो उसको सत्य नहीं बोल सकते, अरे कहाँ कहाँ पैसा बताइए माता जी। हाँ बेटा, हम लोग गीता कोर्स करके आए हैं, ले ले बेटा, ये बोरा के नीचे भी है, उधर भी 2 लाख है, मेरी सोने की चेन उधर ही रखी है बेटा, ले ले, गीता फॉलो करना है, साधु जी ने सिखाया। वो हितम में नहीं आया ना, वही होता है, इसलिए बहुत केयरफुल आपने उसका हित नहीं किया। कैसे हित नहीं किया? जैसे आपने उसको ये बताया ना चोरी, वो अधर्म हो गया तो वो नरक जाएगा, तो उसका अहित ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना, तो हित में नहीं आया क्राइटेरिया, समझ रहे आप लोग, तो बहुत केयरफुल रहना। सत्यम प्रियम हितम चयत, डिड इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो पहला क्या हो गया? सत्यम। श्लोक पे जाओ, पहला श्लोक पहला वर्ड क्या है? सत्यम प्रियम हितम, समझ रहे हैं? तो कितने हो गए? 3 यहां पर हो गए, समझ रहे हैं? और अनुद्वेग, बिना एजिटेट किए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे क्या कैसे कर दिया थे, समझ रहे हैं? एजिटेटिंग नहीं होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपने ऐसा किया क्या, अरे इसे कैसे कर दिया, आपने ऐसा किया क्या, समझ रहे हैं आप? दोनों में टर्न टर्न टोन क्या हो गया? इट मेक सेंस। हाँ, एंड देन 5th इज स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर्स लाइक भगवद गीता एटसेट्रा, इज इट ओके? हाँ, सो आप लोग इसको अप्लाई कीजिए। सो 2-3 थिंग्स वी लर्न टूडे, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स इन रिलेशन, ट्राई टू ऑलवेज सर्व अदर्स। कौन से श्लोक में बताया था ये? मैंने कौन से श्लोक में बताया था आप लोगों को? कर्मणे अपना कर्तव्य फोकस कीजिए, दूसरों से उम्मीद ज्यादा, आपका कर्तव्य पढ़ाई करना है। टीचर खराब है, लोग क्या करते हैं? टीचर खराब है तो हम क्या करें, आप पढ़ के होगा क्या? टीचर ही बकलोल है, टीचर बकलोल तो तुम उससे ही बड़ा बकलोल, वो तो बकलोल ही है बेटा, समझ रहे हैं? और तुम उसका बाप, वो पढ़ाएगा नहीं, वो बेटा एग्जाम के 2 दिन पहले सिलेबस निकालेगा, समझ रहे हैं? उससे पहले बेटा बकवास करेगा, चुटुर 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 चुटुर, एग्जाम जब आएगा, हाँ तो ये सिलेबस 5 चैप्टर ले जाओ, अरे वो चोरवा तुम उसका बाप चोर, समझ रहे? इसलिए गीता सिखाती है आपको कैसे हर स्थिति में आगे जाना। इट्स नॉट दैट इन ग्रेट पीपल्स लाइफ दे आर मोर देन 24 आवर्स, ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, ग्रेट पीपल डोंट डू, बोले क्या बोल रहे हैं भाई, ग्रेट पीपल डू ग्रेट थिंग्स, नो, ग्रेट पीपल डोंट डू,
दे डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वेज, इसलिए बाद में ग्रेट हो जाती है वो। पढ़ता है, तुम भी पढ़ते हो, भी पढ़ता है, लेकिन वो इतने बढ़िया से पढ़ता है कि वो एक घंटे में इतने बढ़िया से स्मॉल थिंग करता है लेकिन ग्रेट में। और हम लोग ग्रेट थिंग भी करते थे स्मॉल में, शादी करता था बेटा, इतना गड़बड़ तरीके से शादी करता है, समझ पत्नी से उसको रिश्ता बनाना आता है नहीं। ग्रेट थिंग भी क्या करता है वो, तो इसीलिए सो ऑल दिस गुड क्वालिटीज विल कम। हाउ, कितने लोग सब गुड क्वालिटी लाना चाहते हैं? तो उसके लिए चार चीज जरूरी, ए फॉर गुड एसोसिएशन, अच्छे लोग, जैसा लोग वैसा संग में रहोगे वैसा आपके अंदर भी। दूसरा है स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, गीता पढ़ने से आपको सब ज्ञान। तीसरा है बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण यू गेट ग्रेट पावर। क्या मिलता है आपको? ग्रेट पावर। ए बी सी डी, डी फॉर डाइट, अच्छे सात्विक प्रसाद जैसे आपको मिलेगा अभी, उसको खाने से भी आपकी सात्विकता बढ़ जाती। सो व्हाट आर द फोर थिंग्स? ए बी सी, ए फॉर गुड एसोसिएशन, बी फॉर सम गुड स्पिरिचुअल बुक्स, सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर। सो विल कंक्लूड हियर बाय चैंटिंग फॉर 2 मिनट्स। सब लोग सीधे बैठ जाए, हाँ चल वी चैंट फॉर 2 मिनट्स, हाँ सब लोग सीधे बैठ जाए और एकदम ध्यान पूर्वक अभी हम भगवान का नाम लेंगे 2-3 मिनट, ठीक है। अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आज हमने सीखा बहुत सारी चीज़ कि हमारे अंदर कितने लोगों को लगता है हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ तो कमियां हैं, मतलब हम इम्प्रूव कितने लोग करना चाह रहे हैं अपने आप को। कितने लोग ने ऐसा देखा कि हम कुछ चीज़ें प्रयास करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, मतलब कर रहे हैं। ये सेम चीज़ कौन पूछ रहा है पता आपको? हाथ नीचे कर लीजिए। ये सेम चीज़ अर्जुन पूछ रहे हैं, सेम चीज कौन पूछ रहे हैं? मैं ये जब श्लोक सुखा ना किसी ने देखा गीता में तो मैं फेंट कर गया कि मेरे इमोशंस को इतना बढ़िया अर्जुन के। ये भगवत गीता कोई स्पेशल अलग बुक नहीं अर्जुन और कृष्ण की, ये अर्जुन हमारे बिहाफ में क्वेश्चंस करे। जो आपको लाइफ में क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चन कौन कर रहे हैं अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो गुरु के गाइडेंस में। ये 3.36 में सेम श्लोक आता है, क्या आता है देखिए एकदम सेम, जो आपके मन में आप फीलिंग आएगी इस लोग सुनो रिसाइट कीजिए। अर्जुन उवाच अत्केण प्रयुक्तोया पापम चरति पुरुष अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तो ध्यानपूर्वक गीता पढ़ेंगे तो अर्जुन हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जब देखो अर्जुन एग्जैक्टली वही फीलिंग को एक्सप्रेस कर आप फेंट हो जाओगे वहां पर। अरे बेटा ये तो मेरा क्वेश्चन है पूछ लिया रे, ये तो मेरा ही क्वेश्चन एकदम। देखिए संस्कृत ज्यादा डिफिकल्ट है, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने बोला, कोई भी समझ जाएगा यार। हाँ अथ मतलब ऐसा क्यों, अथ केन ऐसा क्यों, ज्यादा डिफिकल्ट संस्कृत है। अथ केन मीन्स ऐसा क्यों, क्यों केन मीन्स क्यों, ऐसा क्यों प्रयुक्तोयम ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रयुक्ति ऐसा क्यों कार्य कर देता हूं, मैं ऐसा कार्य क्यों कर देता हूं। पापम चरति ही पुरुषः, मैं गलत कर बैठता हूं, सोचता हूं 4 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, अलार्म तो लगा देता हूं 4 बजे 5 बजे जो भी लगाना है आपको। सोए थे 10 बजे 11 बजे मान लीजिए या 2 बजे सोए थे, समझ रहे हैं, और सोचे थे 8 बजे उठ जाएंगे, कल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे दिन भर में, यही प्लान किए थे ना, यही मेरा धर्म है, मैं स्टूडेंट हूं 4 चैप्टर पढ़ने आया हूं। और तभी क्या होता है, सुबह 8 बजती है अलार्म तो बजता है, आज क्या है रविंद्रनाथ टैगोर का छुट्टी है रे, सुतने दो। रात में प्लान किया बेटा पढ़ेगा, और अभी क्या करा गाली देके, पाप हुआ कि नहीं? हाँ तो अर्जुन पूछ रहा भगवान ऐसा काहे होता कि हम पाप कर देते हैं, बोलता जान पूछ के तो नहीं कर रहे, अनिच्छा न भी रातवा को तो प्लान किया पढ़ना है रे, जिसका जान पूछ के तो हम जान पूछ के बजाते अलार्म लगाते, अलार्म तो लगाते सोच समझ के, बंद कौन करता है जान पूछ के करते हैं क्या, हो जाता है। कितने लोगों को लगता है अलार्म बंद हो जाता है, मतलब बंद कर देते हैं हम लोग,
जानबूझ के नहीं करते, ऐसी कोई शक्ति जो करवाती। रात को तो हम लगाए उठने के लिए, रात को कौन लगाता है अलार्म? आप लगाए ना उठने के लिए, तो सुबह बंद कौन करता है? आप नहीं करते, कोई और व्यक्ति करता है। ये गीता बता रही अनिच्छान, अभी मैं नहीं करता हूं, मेरी इच्छा भी नहीं, मेरे को लग रहा है बला दी कोई मेरे को करवा रहा है। कितने लोग ऐसा लगता है, फीलिंग समझ में आ रही है आपको? कितने लगता है, लगता है कोई करवा रहा है, करना तो नहीं चाह रहा। रात को 10 बजे में प्लान किया उठ जाऊंगा यार, सुबह 6 बजे तो भी उठ क्यों नहीं रहा हूं? और फिर गाली देते, अरे जब आठ बजे, अरे इतना मैं ऐसे कैसे कर दिया, क्यों लेट उठा, अरे कैसे कर दिया ऐसा, हट मैं पागल हो गया। इसका मतलब आप तो उठना चाह रहे थे, कोई आपसे जबरदस्ती करवाया, बला दी व बलपूर्वक ऐसा लगता। कोई कौन है, हमारा मन है, कौन है? हम तो प्लान किए बुद्धि से यार रात को सुबह उठना है, लेकिन मन ऐसा होता है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो जितना मन को समझाते उतना ही सोचते, आज से 8 घंटा पढ़ेंगे, बोलता 8 मिनट भी नहीं पढ़ने देता। 8 घंटा प्लान करते 8 मिनट भी पढ़ने, कितने लोग ऐसा प्रॉब्लम है कि प्लानिंग तो करते हैं बहुत, होता नहीं है। तो ये कहाँ से आती है, गीता में आती। तो भगवान बोल रहे मन को कंट्रोल करना, तो क्या करना पड़ेगा, मंत्र। इसका 2-3 घंटे का सेमिनार हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग नहीं लेंगे उसको, वो हमारे एक ब्रदर आएंगे भाई, वो नेक्स्ट वीक हो सकता है आने का, भुवनेश्वर से आने का प्लान है उनका, तभी तो मैं मेघालय जा रहा हूँ। तो ही मे कवर फॉर यू द साइंस ऑफ मंत्र मेडिटेशन इफ पॉसिबल। ये पूरे एक 2-3 घंटे सेमिनार है, होली नेम जो भगवान का मंत्र जब कहते हरी कृष्ण, इसमें कितनी पावर है, डिवाइन है क्या ये, तो इसको डिटेल में कवर करना पड़ेगा। बट ये होली नेम इतनी शक्ति है कि आपके मन को बदल सकता है, इसीलिए इसका नाम है मंत्र। मंत्र क्यों पढ़ा, मन त्रायते इति मंत्र, मन त्रायते इति मंत्र। तो इसीलिए मन को कभी कभी आप जो चीज नहीं कर पा रहे, बढ़िया जब कीजिए आप कर पाएंगे, देख लीजिएगा। भगवान का सेल्ट ले, भगवान मेरे से नहीं हो रहा, पढ़ना चाह रहा हूँ, देखना उस दिन पढ़ाया चाहिए। जब कोई 10 मिनट अगर सही से जब कर लिया, देखना मन शांत हो जाएगा। हमेशा ट्राई कर सकते, बैठ के 5 मिनट, कहीं पर 2 मिनट भी आप बैठ के भगवान का नाम ले लो जोर जोर से, देखना मन थोड़ा ठीक है। तभी सब लोग सीधे बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए भी हम लोग मेडिटेट करेंगे। ओके, सो लेट अस लाउडली चैंट। सो थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन जोर से, मतलब स्पीड उतनी तेज नहीं करेंगे, लेकिन तो जोर जोर से बोलेंगे ठीक है। तो कोरस में गाना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा नहीं कि मैं हरे कृष्ण आप हरे राम ठीक है। ओके, सिट स्ट्रेट, ब्रीद 3 टाइम्स वेरी डीपली वाइल ब्रीदिंग आउट, गेट आउट ऑफ ऑल योर फीलिंग्स ऑफ फियर इनसिक्योरिटी, फील फुली रिलैक्स्ड। वन पर्सन इज देयर इन द वर्ल्ड हु लव्स यू, who is there with you, who is closest to you, who understand you the most, he understand your feelings, he understand your values, he is the most sweet person. So let us chant his names, okay, with full feeling of absorption. Okay, let us start. 1, 2, 3 start. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ऑल ऑफ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। हाँ, तो ऐसा कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आपको गा भी सकते हैं आप, अगर आपको थोड़ा सा म्यूजिक का ज्ञान है तो ऐसे आओ गा भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताली हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे राम हरे हड्डे किन्ना 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम सभी लोग जोर से गाइए हड्डे किन्ना कीज किन्ना हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल। आप जब भी कर सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, आप गा भी सकते हैं और नाच भी सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सब लोग खड़े हो जाइए, आप क्या कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं, बैठ के भी जप कर सकते हैं, धीरे धीरे भी जप कर सकते हैं, जोर जोर से भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं और